अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं, हाँ फोर्थ फ्रेंड, जो अभी पिकनिक मनाने के लिए बाहर आए हुए थे और सभी लोग बैठे हुए थे। उनमें से हमें पहला दोस्त दिखाया जाता है जहाँ पे वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और बोल रहा था ये ले मैं दे रहा हूँ ना तुमको, ऐसे वो बोल रहा था। और नीचे एक दोस्त था वो पकड़ रहा था, जो ऊपर से एप्पल्स को एप्पल्स कहे या आम कहे वो तोड़ रहे थे एंड नीचे फेंक रहे थे। और तीन दोस्त जो ना नीचे ले रहे थे, बस लेते जा रहे थे एंड ऐसे करते हुए जो ना एप्पल्स को तोड़ने के बाद जो ना वो एप्पल्स का हुआ आम वो तोड़ने के बाद वो लड़का नीचे आ रहा था, बस नीचे आ रहा था। वो गिरने ही वाला था कि तभी एक स्ट्रांग आम ने उसे पकड़ लिया था। तभी वो लड़का जस्ट अपनी आंखों को खोलता है, देन सामने वाले इंसान को देखते हुए कहता है ओ लांसान तुम हमेशा मुझे कैच कर लेते हो, तुम कितने प्यारे हो ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हमारा लांसान कहता है कि हाँ वी मैं बहुत प्यारा हूँ एंड तुम्हें हर बार बताता हूँ कि इस तरह से ऊपर से नीचे तुम गिर सकते हो, कितनी बार बताता हूँ। तो लांसान ऐसे कहता है, तो वी कहता ओ तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, तुम इतना ज़्यादा क्यूट हरकतें क्यों करते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान बस वी को घूर घूर के देख रहा था, तभी पीछे से शुयांग आते हुए कहता आह तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ पे भी लड़ाई करना स्टार्ट मत करो, चलाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे वो लोग आकर बैठ जाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे जो फोर्थ डोज था वो था सॉन्गलैंड। सॉन्गलैंड कहता है तुम दोनों ना हमेशा ऐसे कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते हो। जहाँ पे विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता ये तो गिरने वाला था, कुछ भी नहीं किया बोल रहा है, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे शुयांग कहता है ब्रो तो इतना ज़्यादा सेंटी क्यों होता है, तो इतना अटैचमेंट क्यों रखता है विंग से, विंग को गिरने देना, उसकी कमर टूटने दे, उसको फिर मज़ा आएगा। जहाँ पे विंग कहता है तुम शुयांग मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, शुयांग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद शुयांग और वांग जी दोनों जो थे ना वो कुछ लकड़ियाँ लेके आते, लकड़ी लेके आके आग को जलाते। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे बारबेक्यू बनाना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है कि ओ ये फिश उसने लाई है, तभी शुयांग कहता है मैंने, विंग कहता ओ माय स्ट्रांग बॉय, ऐसे कहते जो ना विंग उसे डायरेक्टली हक करता है। जहाँ पे शुयांग कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तुझे पता है ना, तो विंग कहता है कि हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसे कहता है। और सॉन्गलैंड जो बारबेक्यू बना रहा था, विंग कहता है कि यार ये पक गया है, तो सॉन्गलैंड कहता है बिल्कुल भी नहीं अभी तक नहीं हुआ है विंग। विंग कहता बट मुझे खाना था। सॉन्गलैंड कहते रुको, ऐसे कहता है। सॉन्गलैंड जस्ट उसे चेक करता है और सॉन्गलैंड को पता चलता है कि हाँ ये पक चुका है करके, उसे पता चल जाता है। सॉन्गलैंड कहता है कि हाँ ये पक चुका है तुम इसे ट्राई कर सकते हो। विंग जल्दी से लेता है और उसे जो है ना वो अपने मुंह में डाल देता है, जिससे विंग को गर्म लगता है, ऐसे विंग करने लगता है। जहाँ पे तभी वांग जी आता है विंग, ऐसा कहता है और विंग के मुँह से उसे नीचे गिरा देता है और उसके पानी पिला देता है। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था और कहता तुमने क्यों गिराया, वांग जी कहते तुम्हारा मुँह जल रहा था इसलिए गिरा दिया। जहाँ पे विंग कहता है सच में ओ मैं बस टेस्ट कर रहा था, वांग जी कहता इस तरह से टेस्ट किया जाता है, हाँ तुम्हारा मुंह जल गया। विंग जस्ट पाउट बना लेता है, तभी शुयांग कहता है कि वांग जी तुम उसे परेशान मत करो ना, तो वांग जी कहते इसको कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। जहाँ पे विंग जस्ट बनी वाली अपनी स्माइल करती कहते ओ वांग जी तुम मेरी बहुत परवाह करते हो मुझे पता है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद ये लोग अपनी पिकनिक को मनाने के बाद जस्ट अपने घर की ओर जा रहे थे, वो चारों एक ही कार में जा रहे थे। तो अब यहाँ पे हम विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग अपने मोम डैड के साथ रहता है और ये उसके चारों ये तीनों दोस्त विंग के बचपन के दोस्त थे, वो साथ में ही खेलते कूदते बड़े होते, जो चड्डी बड्डी रहता है ना वो सेम विंग के ये तीनों दोस्त थे। लान वांग जी शुयांग एंड सॉन्गलैंड विंग के घर के पास ही रहते हैं, ऐसे दूर नहीं है। लान वांग जी बस इन लोगों में रईस है एंड शुयांग थोड़ा सा रईस है, ठीक है। और सॉन्गलैंड विंग के घर के अपोजिट साइड में ही रहता है, ठीक है। तो हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी कार को चलाते हुए जिस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग बाहर के नज़ारे को देख रहा था, तभी शुयांग कहते विंग कहते हाँ, तो शुयांग कहते कि तुम्हें नहीं लगता है विंग कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। विंग कहता है मुझे क्या करना चाहिए बताओगे, क्या करना चाहिए मुझे। तो शुयांग कहता है कि ओ क्या करना चाहिए मतलब, विंग कहता है अब मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ बस। और सॉन्गलैंड को देखो वो तो कैसे सो गया है, ऐसे कहता है। तभी चारों एक साथ कहते विंग, चारों नहीं तीनों एक साथ कहते, वांग जी और विंग तीनों एक साथ कहते कि अब न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं भूलो मत, ऐसे वो तीनों एक साथ कहते। जहाँ पे तीनों एक दूसरे को देख कर बस एक स्माइल करते हैं। जहाँ पे शुयांग कहते कि विंग देखते हैं अब कॉलेज में हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट किया है ना, विंग कहता है मतलब। तो शुयांग कहता है देखो विंग तुम अलग फील्ड में जा रहे हो, मैं अलग फील्ड में, सॉन्गलैंड अलग फील्ड में, वांग जी अलग फील्ड में, अब देखते हैं हमारी जर्नी कैसे किस मोड़ पर लेके जाती है हम लोगों को, तो है ना। तो विंग कहता है कि हाँ सही कहा,
मैं तुम लोगों के साथ इतने सालों से रहते हुए आया हूँ ना, मुझे तुम लोगों से दूर जाने का मन ही नहीं होता है। बट हम सब लोगों की अलग अलग फील्ड है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी सॉन्ग लैंड खड़े होते हुए कहता है कि हाँ बट हम लोग मिल तो ज़रूर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों के कॉलेज भी पास पास ही है। तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स, और वांगजी तो मेरे ही कॉलेज में है, सिर्फ तुम दोनों दूर जा चुके हो, है ना। तो वो दोनों कहते कि हाँ क्या कर सकते हैं विंग, चलो कोई बात नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी सभी लोगों को घर में छोड़ देता है, जहाँ पे विंग को एंड सॉन्गलैंड को वांगजी छोड़ रहा था, तभी जो वांगजी के पास हमारा विंग आता है और कहता है कि ओ माय हनी, ज़्यादा गुस्सा मत करना, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाना, ज़्यादा नखरे करना बंद कर दे तू, समझे ना, ऐसे ही वांगजी को कहता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखता है और विंग की बनी से स्माइल को देखता है और कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है चलो बाय गुड नाइट गाइस, ऐसे कहता है। जहाँ पे सॉन्गलैंड भी गुड नाइट करता है एंड शुयांग और वांगजी वहाँ से चले जाते। तभी शुयांग जो पीछे बैठा होता ना, वो आगे आकर बैठे कहते वांगजी मुझे बता दो, तू उसे क्यों बता नहीं देता। तो वांगजी कहते क्या और किसे बताना है। तो शुयांग कहते ऑफकोर्स विंग को। तो वांगजी कहते मतलब क्या बताना है। शुयांग कहता है इतना भी मेरे सामने भोला बनने का नाटक मत कर, हाँ मुझे सब कुछ पता है, क्या मुझे नज़र नहीं आता है तुम किस तरह से विंग को देखते हो। तो वांगजी कहते क्या बोल रहे हो तुम। हाँ शुयांग कहता है देखो वांगजी, बचपन से लेकर आज तक हम लोग साथ में ही है और मैंने हर बार देखा है तुम विंग के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो और किस तरह से तुम विंग को देखते हो। तो हाँ किस तरह से तुम जलन फील करते हो विंग को। वांगजी कहता बिल्कुल भी नहीं। तो शुयांग कहता अच्छा ऐसा था तो तू दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता था, बट तूने पहले ये जाना कि विंग किस कॉलेज में जा रहा है और उसी कॉलेज में तुमने जाकर एडमिशन लिया, ऐसा क्यों। हाँ तुम कहीं और भी तो लेके जा सकते थे ना, वैसे भी तुम्हारे अंकल तो तुम्हें अमेरिका भेजना चाहते हैं पर तुम तो नहीं जाना चाहते हो ना। हाँ तो वांगजी कहता कि तो क्या। शुयांग कहता हाँ हाउ रूड ना वांगजी, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, तुम्हें बता देना चाहिए, अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गया तो अब भूलो मत, अब हम चार दोस्त अलग हो रहे हैं, ठीक है, तुम विंग के साथ रहोगे बट विंग के क्लास में तो कोई और रहेगा ना जो विंग को अप्रोच करेगा, क्या पता विंग को कोई पसंद आ जाए एंड देन वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तभी वांगजी कार को रोकता है, शुयांग बाहर निकलो बाहर निकलो। शुयांग बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं नहीं जाने वाला, देखो घर अभी आधा किलोमीटर दूर है और ज़्यादा। तो वांगजी कहता कार से बाहर निकलो। शुयांग कहता क्या मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, हाँ अगर तुम अभी ट्राई नहीं करोगे तो क्या पता कोई और उड़ा कर लेके जाएगा। तो वांगजी कहता है भूलो मत, वो हमारा दोस्त है। शुयांग कहता ओ दोस्त है, ठीक है एक काम करता हूँ मैं ही उसे प्रपोज कर देता हूँ तो ठीक रहेगा ना। वांगजी कहते शुयांग, शुयांग कहते क्या, क्या मैं प्रपोज नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं उसे अपना नहीं बना सकता हूँ, अगर तुम में इतना दम नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतना कर्ज है कि मैं उसे जाकर बोल सकूँ कि हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। वांगजी कहते ये क्या बोल रहे हो। तो शुयांग बस एक स्माइल कर देते क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या बस तुम ही उसे पसंद कर सकते हो, कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग बस तुम्हारा इंतज़ार करें कि क्या पता तुम कब बोलोगे, तुम बोल दोगे शायद से विंग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, हम इसका इंतज़ार करें। बट तुम अब तक इतने साल हो चुके, जब हम 10th क्लास में थे ना मैं तभी विंग को बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ करके, पर तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे आँखों में उसके लिए नशा दिखता है मुझे, तो उसे पाने का जुनून दिखता है, बट लगता है कि तुम बोलने वाले नहीं हो, इसलिए मैं सॉन्गलैंड को बता दूंगा और सॉन्गलैंड और मैं विंग को प्रपोज कर देंगे। वांगजी कहते हैं शुयांग ऐसा नहीं। शुयांग कहते क्यों, क्यों नहीं हो सकता, हाँ बताओ। वांगजी कहते हैं शुयांग तुम कार से बाहर निकलो, निकलो कार से बाहर। शुयांग कहते याद रखना वांगजी, अगर तुम नहीं करवाए तो हम ज़रूर कर लेंगे, ऐसे ही शुयांग कहता है और कार से बाहर निकल जाता है अपने बैग को लेकर। जिसके बाद वांगजी अपनी कार को बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था, जहाँ पे शुयांग अपने पैरों को पटकते हुए कहता आह ये कब करेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये प्रपोज करेगा बट ये करता नहीं, अब मेरी ही बारी होगी, ऐसे जो है ना शुयांग बोलता है। और हम वांगजी को देखते, वांगजी बस अपनी कार को तेज़ी से चलाते हुए अपने मेंशन में पहुँच चुका था, कार को वहीं पे रख देता है जहाँ पे मिस्टर लैंड बोल रही हूँ यार जो कुरान जो था ना कुरान आता है और वांगजी तुम कार को लेके गए थे, तुमने मुझे बताया था क्यों नहीं। जहाँ पे वांगजी जस अपने अंकल को देखता है और आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे कुरान जस वांगजी से मैंने कुछ पूछा है वांगजी, वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था और कुरान तभी वांगजी के जो ना पीठ पे एक छड़ी मार देती जिस कारण वांगजी धड़ंग से नीचे गिर चुका था और वांगजी नीचे गिरा होता। तभी नीचे गिरते ही वो रोने लगता है हमारा वांगजी। कुरान कहते क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है तुम्हें, मैंने इतने ज़ोर से भी तो नहीं मारा था तुमको, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, ऐसे जो ना कुरान कहता है। जहाँ पे वांगजी बस रोने लगता है और बस वो रो रहा था। जहाँ पे कुरान कहते क्या हुआ है वांगजी तुम रो क्यों रहे हो, हाँ हाँ क्या हुआ है बताओ, क्या मैंने ज़्यादा ज़ोर से हिट कर दिया। जहाँ पे वांगजी ज़ोर ज़ोर से रोते क्यों 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 मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे कुरान कहते क्या हुआ है वांगजी बोलो तो क्या हुआ है।
जहाँ पे वांगजी कुछ बोल ही ना रहा था और वांगजी इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, इसलिए जो शिचान थे ना वो ऊपर से आते थे, वांगजी क्या हुआ मेरे बेबी ब्रदर, ऐसे करते वांगजी को उठाते और वांगजी को हक करते, क्या हुआ है? जहाँ पे वांगजी अपने भाई को हक करे हुए बस रोते जा रहा था, मैं क्या करूँ क्या करूँ गगा गगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही जो ना हमारा वांगजी रोने लगता है, जहाँ पे शिचान को समझ में नहीं आ रहा था उसका भाई इतना बुरी तरह से रो क्यों रहा है, ऐसे पहले वो इस तरह से रोया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो वांग जी को शिचान जो ना कमरे में लेके जाते और कहते हैं बताओ मुझे क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते गगा विंग, शिचान कहते क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ है मुझे बता। जहाँ पे शिचान वांग जी से पूछते हैं तो वांग जी कहते विंग अब मुझसे दूर हो जाएगा गगा। शिचान कहते मतलब क्या है तुम्हारा, मुझे बताओगे, एक्सप्लेन करो मुझे अच्छे से। तो वांग जी कहता है कि अब विंग और मैं अलग कॉलेज में जाएंगे। शिचान कहते वांग जी तुम दोनों एक ही कॉलेज में, भूलो मत। तो वांग जी कहते हाँ बट विंग के अलग दोस्त बनेंगे, क्या पता कॉलेज में जाने के बाद विंग ने किसी को पसंद किया या किसी ने विंग को पसंद कर लिया तो मैं क्या करूँगा। शिचान कहते कि वांग जी मैं इतने सालों से तुम्हें बोलता आया हूँ कि तुम्हें विंग के सामने अपनी फीलिंग्स का कन्फेस कर देना चाहिए, पर तुम खुद हो जो उसको बताना नहीं चाहते हो। वांग जी कहते अगर उसने मेरी फीलिंग्स को वापस नहीं किया था, अगर वो मुझे बस ये समझने लगा कि दोस्त के बीच में ये सब कैसे हो सकता है, तो हाँ मैं क्या करूँगा। और ऊपर से सोंगलैंड और शुयांग भी उसे पसंद करते हैं गगा। जहाँ पे शिचान कैसे, तो वांग जी कहते आज ही शुयांग ने बताया है मुझे, सोंगलैंड और शुयांग विंग को पसंद करते हैं, वो लोग बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं विंग को प्रपोज करूँ, बट मैंने आज तक विंग को कुछ कहा ही नहीं, तो वो बोल रहे थे अगर मैं नहीं करूँगा तो वो लोग कर देंगे, अगर मेरे अलावा विंग ने उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो मैं क्या करूँगा। हाँ जहाँ पे शिचान जिस वांग जी को देख रहे थे वो कहते वांग जी एक काम करो विंग को बता दो। तो वांग जी कहते पट गगा विंग को बता दिया और विंग को अगर पसंद नहीं आया तो विंग को अगर पसंद नहीं आया तो गगा तो मैं क्या करूँगा, हाँ अगर विंग मुझसे दूर हो गया तो गगा। तो शिचान कहते हैं कि अगर विंग का कोई पार्टनर बनता है तब वो तुमसे दूर हो जाएगा, वो चलेगा क्या वांग जी बताओ, तब तुम्हें चलेगा कि विंग के पास एक पार्टनर है और वो तुमसे दूर हो गया तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। वांग जी नहीं गगा ऐसा नहीं है। शिचान कहते कि तो फिर कैसा है वांग जी मुझे बताओ, अगर वो तुमसे दूर चला गया तब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, वो किसी और के साथ रहेगा तो, बट तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताकर दो पल के लिए दूर नहीं रह सकते हो, हाँ बताओ, इतनी तुम्हारी लंबी दोस्ती है बचपन से लेकर अब तक, हाँ अब तक तुम 19 साल के हो चुके हो, अब तक तुम दोनों की दोस्ती है बचपन से लेकर अब तक, 5 साल की उम्र से लेकर अब तक तुम दोनों की दोस्ती है, तो तुम सोचो तुम दोनों की दोस्ती कितनी पक्की होगी, अगर विंग एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों रहोगे ना तुम हमेशा, हाँ ऐसे शिचान कहते हैं। बट वांग जी बिल्कुल भी विंग के सामने कन्फेस नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं, उसे डर लगता है अगर उस विंग ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसे छोड़ दिया तो उसे खो दिया तो उसने विंग को, इसलिए वांग जी बस इन सारी चीज़ों से डरता है। और वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेते कहते गंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो जहाँ शिचान कहते वांग जी तुम अपनी फीलिंग के लिए कन्फर्म होना, तो वांग जी कहते कि हाँ गंगा मैं विंग के लिए पूरी तरह से कन्फर्म हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो शिचान कहते जाओ उसे बता दो, बट हमारा वांग जी डरा हुआ था वो नहीं बता सकता था अगर विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई तो, इसलिए देन उसके बाद जो था ना शिचान वांग जी को सुलाता और वहाँ से बाहर आ जाते, जहाँ पे कुरान पूछते कि क्या हुआ है, जहाँ पे कुरान पूछते हैं ना तो शिचान कहते कुछ नहीं वहाँ अंकल हमेशा की तरह। जब कुरान कहते क्या, तो शिचान कहते विंग, तो कुरान कहते कि हाँ सच में मुझे समझ भी नहीं आता उस बच्चे के अंदर ऐसा इसे क्या नजर आया जो इसे बचपन से पसंद करने लगा है, हाँ पता नहीं ऐसा क्या है इस बच्चे के अंदर, ये हमेशा शैतानी करता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल तक नहीं रखता है और इस बच्चे के लिए ये बस रोते रहता है हमेशा के, हाँ सच में बचपन से लेकर अब तक इसको जो भी चाहिए था वो विंग के लिए चाहिए था, हर चीज़ की जिद बस विंग के लिए की है, खुद के लिए कुछ कभी मांगा तक नहीं है घर में, जो भी चाहिए विंग के लिए चाहिए, बस विंग को देना है मतलब विंग को देना, और उसी के लिए अब रो भी रहा है पागल कहीं का, ऐसे कुरान कहते हो जो ना अपने कमरे में चले जाते हैं। देन यहाँ से हम विंग की तरफ का सीन देखते, विंग घर में आ तक मॉम डैड मैं आ चुका हूँ ऐसे कहता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड जो थे ना वो विंग की वॉइस को सुनते हुए जल्दी जल्दी विंग के पास, हो माय बिच्छा माय क्यूटी पाई इतना टाइम के बाद तुम वापस आ गए। विंग कहता मॉम कितना टाइम हुआ, जस्ट 3 घंटे ही तो हुए मैं गया था, तो उसकी मॉम कहते हाँ बट फिर भी मेरे प्यारे से क्यूटी पाई को हमने बहुत मिस किया, ऐसे कहते जो ना विंग को हक करते विंग के फोरहेड पे किस करते, विंग कहते मॉम मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया डैड, ऐसे कहते जो ना विंग अपने डैड को टाइटली हक करते, जहाँ पे उसके डैड कहते कि हाँ अब नाटक मत करो
तो विंग कहता है डैड कल मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है और आप ऐसे बोल रहे हो मुझे, कितने बैड हो ना आप। जहाँ पे उसके डैड कहते ओ अच्छा हम बैड है और तुम यहाँ से हमसे दूर रहने के लिए जा रहे हो वो क्या है। तो विंग कहता तो डैड मैं यहाँ से अप डाउन नहीं कर सकता ना आप समझिए। उसके डैड कहते ओ बट हम अपने बेटे के बिना कैसे रह सकते हैं, हमारा क्यूटी पाई बेटा हमसे दूर चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, तुमने ये सोचा है, तुम तो अपने बारे में ही सोच रहे हो। तो विंग कहता आप चाहते हो कि आपका बेटा पढ़े नहीं बड़ा आदमी ना बने, आप चाहते हो कि आपका बेटा अच्छे से पैसे ना कमाए। जहाँ पे उसके डैड कहते कि मैं सब कुछ चाहता हूँ बट अपने बेटे को दूर नहीं कराना चाहता। जहाँ पे विंग कहता बट आपके बेटे को दूर जाना होगा, आपके बेटे को दूर जाना होगा डैड समझ रहे हो ना। जहाँ पे उसके डैड कहते आप नौटंकी बंद करो विंग। विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है कि तो मैं कल अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगा ठीक है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि थैंक गॉड कि वांग जी तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में है करके, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तभी जो है ना वी चांस है कहते कि विंग मुझे पता चला कि वांग जी वहाँ पे जो है ना वो अपने एक अपार्टमेंट में रहने वाला है। तो विंग कहता हाँ तो विंग के डैड कहते कि तो मैंने कुरान से बात कर ली थी, उन्होंने कहा है कि हाँ विंग वहाँ पे रह सकता है करके। तो विंग कहते आप चाहते हो कि मैं विंग के वांग जी के साथ रहो। तो उसके डैड कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ क्योंकि वही है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है, बचपन से लेकर आज तक उसी ने अच्छे से ख्याल रखा है हमारे बाद, वरना तुम तो यहाँ पे गिरते पड़ते रहते हो, हर जगह पे तुम्हें चोट लगती रहती है, साइकिल भी चलाते हुए 10 बार गिरे थे, जब वांग जी आया तभी तुम साइकिल सीख पाए। हाँ सच में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, वांग जी के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं आता। विंग कहता ओ आपको लगता है कि आपको ना वांग जी को अपना बेटा बना लेना चाहिए, मुझे क्यों बेटा बनाया है। जहाँ पे उसके अच्छा अच्छा बट वांग जी एक कोल्ड है बट वो भी अच्छा है, बट फिर भी विंग तुम हमारे बेटे हो याद रखना। विंग कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो आपने वांग जी के अंकल से बात कर ली है। तो कहते कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं वांग जी के साथ रहूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे विंग कहता है कि कोई तो होगा मेरे साथ वरना मुझे अकेला अकेला फील होगा डैड है ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ इसलिए हमने सोचा था, और शुयांग और सॉन्गलैन तो आसपास वाली यूनिवर्सिटी में है ना तुम्हारे। तो विंग कहता है कि हाँ हम लोग वीक में एक बार मिलने वाले हैं, हम लोगों ने बात की एक दूसरे से। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, फ्रेशन अप होता है एंड देन अपने कमरे में सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग की मदर बोलती है विंग उठो उठो विंग। विंग कहता मॉम सोने दीजिए ना मॉम। जहाँ पे विंग तुम्हें कॉलेज जाना है तुम भूलो मत। तो विंग कहता मॉम मैं पहले दिन नहीं जाना चाहता। जहाँ पे उसकी मॉम कहते विंग तुम्हें बस यहाँ से तो बाहर जाना है, तुम्हें सिटी में जाना है। तो विंग कहता हाँ जानता हूँ मॉम। तो उसकी मॉम कहते तो उठो ना वांग जी आ जाएगा तुम्हें पिकअप करने के लिए भूलो मत। जहाँ पे विंग कहता हाँ वांग जी हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया। तो ऐसे विंग कहता जहाँ पे उसकी माँ कहती चलो जल्दी। विंग कहता हाँ हाँ और विंग जल्दी से उठकर जो है ना वो नहाने चला जाता है और कहते माँ मेरी पैकिंग। तो उसकी माँ कहती मैं कर रही हूँ तुम जल्दी जल्दी करो ठीक है, मैं तुम्हारे सारे जरूरत का सामान रख रही हूँ। तो विंग बस माल कहते हाँ माँ जल्दी जल्दी करिए। जिसके बाद उसकी मदर जो थी ना विंग के जो भी ज़रूरत का सामान था ना वो सारा सामान को वहाँ पे घुसा देती है विंग के बैग में, और 2 बैग विंग के लिए रेडी कर चुकी थी। जहाँ पे विंग को वो ब्रेकफास्ट खिलाते कि चलो जल्दी 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 वांग जी आ जाएगा। तो विंग कहता कि हाँ हाँ माँ आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे उसकी मदर कहती खुद का अच्छे से ख्याल रखना, हमें कॉल करना ठीक है, खाना टाइम से खाना, किसी को भी ज़्यादा परेशान मत करना, अगर तुम्हारे कॉलेज से कोई कंप्लेंट आती है तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो विंग कहता सच में माँ आप मुझे सबक सिखाओगी। जहाँ पे उसकी मेरी माँ कहती कि हाँ और उसके बाद तुम्हें हम अपने घर में रखेंगे कैद करके। तो विंग कहता माँ, तो उसकी माँ कहती कि तुम हमसे दूर जा रहे हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे तुम इतना दूर जा रहे हो हाँ तुम कैसे। जहाँ पे विंग कहता माँ बट हमारी लिटिल एंजल तो दूर है ना माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती है हाँ लिटिल एंजल दूर है वो आ जाएगी कुछ टाइम के बाद। जहाँ पे उसकी विंग कहता है कि हाँ कब आएगी तो पता नहीं, हाँ कितना टाइम हो चुका है माँ उसकी ट्रिप को। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अब 2 दिन और बाकी है, उसे जब पता चलेगा ना तुम यहाँ से गायब हो गए हो करके तो देखना वो कैसे रोएगी। तो विंग कहता है कि हाँ वो तो है, मैं उसके लिए एक लेटर लिख के जाऊँगा उसे दे दीजिएगा वहाँ ठीक है। जब इसकी माँ कहती है कि ठीक है। जिसके बाद हमारा भी जो था ना वो पूरी तरह से खाना वगैरह खाते हैं, जिसके बाद वो अपनी लिटिल सिस्टर के लिए एक लेटर लिखता है जिसका नाम लुलू था, उसके लिए वो सिस्टर लेटर लिखता है। देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है और वांग जी का इंतजार करता है। देन सॉन्गलैंड भी बाहर आता है और विंग को हाय कहता है, हाय विंग। विंग कहता है हेलो सॉन्गलैंड गुड मॉर्निंग। सॉन्गलैंड कहता है गुड मॉर्निंग विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना सॉन्गलैंड जस्ट विंग के पास आता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ है क्यों देख रहे हो मुझे इस तरह से। सॉन्गलैंड कहते हैं विंग पता नहीं मुझे ये तुम्हें बता देना चाहिए या नहीं बट आई लव यू। विंग पूरा शॉक कि क्या आई लव यू टू सॉन्गलैंड। हाँ विंग मैं तभी कार आकर रुकती है। तभी विंग कहता हाँ क्या कहा। और तभी शुयांग कहता अब अंदर भी आ जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी को देखते वांग जी जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और वांग जी इन लोगों को देख रहा था। जहाँ पे सारे लोग पीछे बैग डाल देते हैं देन कार में आकर बैठते हैं और विंग आगे ही आकर बैठता है। तभी सॉन्गलैंड कहते विंग मैंने मैंने विंग कहते हाँ। तभी शुयांग कहते क्या
क्या धुने? तभी सॉन्गलैंड जस शुयांग को इशारा करता है, शुयांग कहता है ओ अच्छा। तभी विंग को देखते हुए सॉन्गलैंड कहता है विंग तुम्हारा आंसर क्या है? विंग कहता है ऑफ कोर्स आई लव यू टू यार, सच में। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांगजी अचानक से कार को ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद सॉन्गलैंड और शुयांग और विंग जस वांगजी को देख के क्या हुआ है? वांगजी कुछ नहीं, वो कुत्ते का पिल्ला आ गया था बीच में, ऐसे वांगजी कहता है। एंड उसके बाद जो ना विंग कहता है कि और कुछ? तो सॉन्गलैंड कहता है नहीं, तो क्या हम डेट करने के लिए चले? विंग कहता है और डेट कौन सी डेट पता, कौन सी तारीख को जाना है? जहाँ पे शुयांग जिस विंग को देखता है और अपने सर को हिलाता है। तभी शुयांग कहता है विंग मेरी तरफ देखो। विंग कहता है हाँ। तो विंग उसको देखता है क्या हुआ है? तो शुयांग जल्दी से विंग के चीक पे किस कर देता है, आई लव यू विंग। विंग पूरा शॉक और उसे देख अच्छा हाँ तो आई लव यू टू शुयांग, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे फिर से वांग जी ब्रेक लगाता है, जहाँ पे शुयांग बस हंसते कहते हैं विंग हम तुम्हें सीरियस वाला बोल रहे। तो विंग कहता है मैं भी तो सीरियस वाला बोल रहा हूँ ना। तो शुयांग कहते विंग हम लवर की तरह बोल रहे। विंग कहते ओ तुम तो मेरे लवर हो, मेरे क्यूटी पाइज लवर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे सॉन्गलैंड और शुयांग कहते विंग हम प्यार की बात कर रहे। विंग कहता मैं भी तो प्यार की ही बात कर रहा हूँ ना। तो शुयांग और शुयांग और सॉन्गलैंड जस्ट विंग को देख रहे थे घूर घूर के। विंग तुम्हें नो तुम्हें नहीं पता है प्यार मतलब क्या? तो विंग कहता ऑफकोर्स पता है, हमारा दोस्तों वाला प्यार है ना। जहाँ पे वो दोनों अपने सर को हिलाते हैं, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है इन तीनों को देखकर। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें भी कुछ नहीं कहना है? हाँ तुम नहीं कहोगे मुझे इन लोगों की तरह आई लव यू? जहाँ पे वांग जी कहता आई लव यू। तो विंग कहता हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? बताओ ये दोनों तो मुझसे प्यार करते, देखो मुझसे दूर जा रहे इसलिए वो आई लव यू कह रहे, तो हम लोग एक साथ रहने वाले इसलिए तुम मुझे आई लव यू नहीं कह रहे हो क्या? तो वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता हाँ तो फिर कैसा है, कैसा है मुझे बताओगे? तो वांग जी कहते वो विंग कहता कि आ छोड़ो तुम बोल भी नहीं सकते हो ऐसे कहता। और उनकी ड्राइविंग स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी जस्ट इन दोनों को देख रहा था, शुयांग और सॉन्गलैंड को जो एक पीछे पलट जो ना पीछे पड़े हुए थे और कह रहे थे कि विंग को क्यों समझ में नहीं आ रहा हम किस तरह के प्यार की बात कर रहे हैं करके वो लोग एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे। और हम विंग को देखते जहाँ पे विंग बस कुछ पॉपकॉर्न्स कुछ ना कुछ खाते जा रहा था और रास्ते के इंजॉय करते जा रहा था। आखिरकार वो सिटी में पहुँच चुके थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद ये लोग सुयांग और सॉन्गलैंड को ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पे उनका यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे उन्होंने हॉस्टल में वो रहने वाले थे। तो उन दोनों को ड्रॉप करने के बाद विंग और वांग जी जब अपार्टमेंट की ओर आ जाते, अपार्टमेंट के पास पहुँचने के बाद विंग कहता ओह माय गॉड क्या यहाँ पे रहने वाले हैं? तो वांग जी कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग आते हैं अपने सामान को लेकर, जहाँ पे वांग जी जाता है और पहले की को ले लेता है। की को लेने के बाद वो लोग अपने फ्लोर पे आ चुके थे। फ्लोर पे आने के बाद वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और विंग सामान लेकर अंदर आता है। सामान रखने के बाद विंग दौड़ कर जाता है और बेड पर गिर जाता है। आह मेरी कमर, ए भगवान मैं तो मरने वाला था, ऐसे विंग कहता है। देन अपनी कमर को सहलाता है अच्छे से, जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना कहता है विंग पहले हाँ फ्रेश हो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है आह तुम्हें फ्रेश होने की पड़ी है, यहाँ पे मेरी बैंड बजी हुई मेरी कमर की तुम्हें पता भी है? जहाँ पे वांग जी कहते ओ अच्छा। विंग कहता ओ अच्छा मतलब हाँ मेरी कमर की बैंड बजी पड़ी है, सच में लान वांग जी थैंक गॉड कि हम लोग आ गए। ऐसे कहते विंग जो ना बैठ के इधर उधर रोल होते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तो हम कल से कॉलेज जाएंगे ना? तो विंग कहता है कि हाँ कल से जाएंगे। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, और वांग जी जाकर फ्रेश होकर आता है, देन अपना सामान लगाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग उठकर बैठते हुए कहता है कि क्या तो पलट कर भी तुम रेस नहीं कर सकते हो? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते ओ सच में माए हंगुनजुन तुम कितने क्यूट हो ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहते विंग मेरा वो नाम मत लो। विंग कहता है क्यों 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 तुम्हें शर्म आती है? हाँ हाँ बेबी लानसान क्या तुम्हें शर्म आती है? जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग कहता है क्यों क्यों क्या हुआ बेबी लानसान? जहाँ पे वांग जी कहते एंग्री बनी चुप रहो। जहाँ पे क्या कहा तुमने क्या कहा? रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ऐसे कहते हैं। जो विंग पीलो को उठाता है और वांग जी को मार कर फेंकता है, जिसके कारण हमारा वांग जी भी पीलो को उठाता है और विंग को मारने लगता है और विंग भागने लगता है और वांग जी भी खुद उसके पीछे भाग रहा था। और विंग नहीं नहीं मुझे मत मारो, इतने क्यूट से बनी को मत मारो, ऐसे विंग कहते जा रहे। वांग जी कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार विंग बेड पर आकर गिर जाता है, जिसके कारण हमारा वांग जी भी विंग के ऊपर आकर गिर चुका था। एंड वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ वांग जी पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना कहाँ से आता है। तो जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम्हारे कारण। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और विंग जल्दी से वांग जी को हक कर देगा ओ माई क्यूट एंग्री बनी। जहाँ पे वांग जी कहते वो तुम हो विंग ना कि मैं। तो विंग कहता है ओके ठीक है मैं हूँ मैं मानता हूँ ठीक है और तुम क्या हो? तो वांग जी कहता है बस लानसान। तो विंग कहता है ओ लानसान बेबी लानसान।
happy bangit wing wing kata oh baby lanzan cry lanzan baby lanzan cry lanzan jahan pe wangji wing kata wing main tumhe chhodunga nahi aise kata aur wing ko jo hai na wing ke विंग से थोड़ा सा दूर होकर विंग को वो पिलो से मारने लगता है, जहाँ पे विंग भी उसे पिलो से मारने लगता है। उसके बाद इन लोगों ने ये मैस फैलाने के बाद वांगची कहता है अब इससे क्लीन करने में मदद करो, विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वो दोनों मिलके घर को क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स गाइस वो लोग घर को क्लीन करते जा रहे थे, देन उसके बाद वो सामान को सेट करने जा रहे थे जहाँ पे विंग और वांगजी का कबड़ा अलग था। उसके बाद उन लोगों का सामान सेट होने के बाद विंग कहता है कि क्या हम एक ही रूम में रहने वाले हैं, तो वांगजी कहता है कि तो विंग कहता हो वाओ अब तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, जहाँ पे वांगजी कहते तुम हमेशा करते हो। तो विंग बस स्माइल करता है, कहता अब मुझे भूख लगी है वांगजी, तो वांगजी कहते मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है हाँ तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ ठीक है। तो वांगजी कहते हैं हाँ, जिसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी ऑर्डर कर देता है, विंग कुछ टाइम के बाद आ जाता है बाहर। बाहर आने के बाद जो ना वांगजी का जो उसने ऑर्डर किया था वो खाना आ चुका था। खाना आने के बाद हमारा वांगजी और विंग जो ऐसे बैठे हुए थे, एंड देन ऐसे बैठे हुए थे जिसके बाद हमारा वांगजी जो था ना वो विंग से कहता है कि देन तुम अच्छे से रहोगे ना, तो विंग कहता ऑफ कोर्स माय लांसन माय क्यूटी पाई लांसन मैं अच्छा रहूँगा। जहाँ पे वांगजी इस तरह की हरकतें करना बंद करो विंग, हाँ विंग कहता क्यों क्या मैंने कोई गलती की है। जहाँ पे वांगजी कहता कि हाँ गलती की है, तो विंग कहता कौन सी बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजी कहते इतना स्वीट बिहेवियर करना बंद करो, तुम्हें कभी कभी कोल्ड भी होना चाहिए। विंग कहते तुम्हारी तरह ऐसे पोकर फेस लेकर ऐसा पोकर फेस लेना है क्या। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था और हंसते हुए कहते कि रहने दो तुम नहीं कर सकते हो। विंग कहते मैं करना भी नहीं चाहता, मुझे ऐसा पोकर फेस ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वांगजी कहते तो मैं भी पसंद नहीं होगा, तो विंग कहते नहीं ऑफकोर्स बड़ी मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम तो मेरे प्यार हो, मेरी जान हो, मेरा दिल का चैन हो, तुम्हें पता भी है। ऐसा कहते जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग के मुँह से ये सब वर्ड सुनता है ना, तो वांगजी को जो ना अजीब लगता है। हाँ वांगजी को पूरी तरह से वो अजीब लगता है, क्योंकि वांगजी यहाँ पे रियल में विंग से प्यार करता है, बट विंग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वांगजी को तो साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि विंग सबके साथ इस तरह से बात करता है, सभी के साथ, उसके जो दोस्त थे ना विंग के और वांगजी के उन्हीं के साथ भी, और वांगजी ने ये सब कार में ही देख लिया है। इसलिए जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ इस तरह से क्यों देख रहे हो, वांगजी कहते कुछ नहीं जल्दी जल्दी खाओ, ऐसा कहता है। और विंग और वांगजी खाना खाते हैं, देन उसके बाद बेड पर सोने की बारी आती है। जहाँ पे विंग और वांगजी ने एक दूसरे के साथ बेड शेयर किया, यानी इन चारों ने एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर लिया है, इसलिए इन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे विंग और वांगजी बेड पर सो जाते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वांगजी के पास आते कहते हैं कि वांगजी, वांगजी कहते हैं हाँ, तो विंग कहता है तुम वहाँ पर जाकर दोस्त बनाओगे ना, तो वांगजी कहते हैं तुम हो ना, तो विंग कहता है हाँ बट फिर भी तुम्हें तुम्हारे क्लास में दोस्त चाहिए होगे ना, है ना, तो वांगजी कहते हैं नहीं चाहिए। विंग कहते क्यों क्यों नहीं चाहिए, पर तुम्हें दोस्त बनाने होंगे खुद के लिए, समझे अकेले नहीं रहना, तो वांगजी कहते तुम हो ना, तो विंग कहता हाँ हाँ बट मैं अपने क्लास में बिजी रहूँगा ना और तुम अपने इसमें ठीक है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है ना, तो वांगजी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांगजी और विंग जो सो जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे वांगजी उठ चुका था, उठने विंग उठो उठो विंग कॉलेज जाना है विंग उठो, विंग जस कहता सोने दो ना मोम, जहाँ पे वांगजी थी विंग ऐसे कहता और विंग को जबरदस्त उठाता, जहाँ पे विंग उठकर बैठा लांसान क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो यार तुम, हाँ सुबह सुबह, तो वांगजी कहते विंग तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है तुम भूल गए हो, तो विंग कॉलेज अरे हाँ ऐसे कहते विंग कहते मैं जा रहा हूँ मेरे लिए कपड़े निकाल के रख देना, हाँ जहाँ पे वांगजी कहता कि हाँ ऐसे कहता है। देन विंग वॉशरूम में चला जाता है, जिसके बाद जो है वांगजी कपड़ों को निकालता है, जिसके बाद विंग बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर आता है, और वांगजी तब विंग को देखता है। ऐसा नहीं है कि वांगजी ने विंग को इस तरह से पहली बार देख रहा है करके, बहुत बार हमारे वांगजी ने देखा है, और वांगजी जब भी देखता है वांगजी की कान रेड हो जाती है, यहाँ तक कि नेक रेड हो जाता है। जहाँ पे विंग के बॉडी से गिरता हुआ पानी, हाँ उसकी बॉडी से, विंग की जो थीन सी बॉडी थी, ज़्यादा भी ऐसे नहीं कह सकते मसल्स वाली बॉडी थी, विंग की थीन सी बॉडी थी, विंग की मिल्की वाइट स्किन थी, ऊपर से विंग के बालों से जो पानी गिर रहा था, देन उसके वेस्ट अराउंड जाकर जिस गायब हो रहा था, विंग के बॉडी पे जो पानी की छीटड़े थे, वो सारी चीज़ें जो थी ना हमारी विंग के लिए वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे अराउज्ड फील कराने वाली थी। वांगजी को अजीब सा फील हो रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता हाँ तुम कभी कपड़े लेके जाना मत भूलना ठीक है, जहाँ पे विंग कहता हाँ ठीक है क्योंकि तुम हो ना तुम हमेशा मुझे कपड़े ला के दोगे मुझे पता है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी जैसे अपने सर को सहलाते कि विंग, विंग कहता है का क्या हुआ, तो वांगजी जल्दी करो हमें जल्दी जाना है, तो विंग कहता हाँ हाँ मैं कर ही तो रहा हूँ और क्या करूँ बताओ मुझे तुम, हाँ और कितना करूँ। वांगजी जस विंग को देखता है और वो कुछ बोलता ही नहीं, अभी हमारे विंग को कुछ बोलना ही नहीं चाहता। वांगजी जस कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर ठीक है ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, तो विंग कहता ठीक है ऐसे कहता है। देन विंग कपड़े पहनना स्टार्ट करता है, अच्छे से रेडी होता है, अपने बैग को लेता है, देन बाहर आता है जहाँ पे वांगजी ने ब्रेकफास्ट को लगा दिया था। विंग ब्रेकफास्ट को खाते हुए कहता है कि वांगजी सच में तुम्हारे साथ ना रहना मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि मुझे घर का बना हुआ खाना मिलेगा और मेरी मम्मा को चिंता भी नहीं होगी, है ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ इसलिए तो अंकल ने कहा था मेरे अंकल से बात करने के लिए।
तो विंग कहता है ओ ओके, एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी की कार से ही वो लोग कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में आने के बाद हमारा विंग और वांग जी जिस कार से बाहर निकलते, विंग उस यूनिवर्सिटी को देखते, ओ माय गॉड सच में वांग जी ये कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। तो वांग जी कहते हैं कि विंग कहता अब तो मैं अच्छे से दोस्त बनाऊंगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ज़रूर विंग, ऐसे वांग जी धीरे से कहता है, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता कि विंग किसी और को दोस्त बनाए और किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके, वांग जी नहीं चाहता है। बट वांग जी बोल नहीं सकता है हमारे विंग को, इसलिए जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारा किस तरफ क्लास है, वांग जी कहते हैं अंदर जाने के बाद पता चलेगा। वो लोग चले जाते हैं अंदर की ओर। अंदर जाने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में पहले वो मिलते हैं, देन प्रिंसिपल ऑफिस से बात करने के बाद जो है ना विंग और वांग जी को उनका क्लास के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद बाहर जाकर बोर्ड पे जाकर देखना है कि उनका क्लास कहाँ है करके, ऐसे मैप बना हुआ था कौन सी क्लास कहाँ है कौन सी क्लास कहाँ है। तो जिसके बाद विंग को पता चलता है कि वांग जी की क्लास जो ना विंग की क्लास से 2 क्लास दूरी है करके। तो विंग को विंग कहता है कि मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि एंड विंग जस्ट अपनी क्लास की ओर चला जाता है और वांग जी बस उसे देखता रहता है जाते हुए। और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। अपने क्लास में पहुँचने के बाद हमारे वांग जी को देख कर सारे लोगों के जो रहते हैं ना मुँह खुल जाते, क्योंकि वांग जी पूरा मस्कुलर हैंडसम एंड क्यूट हैंडसम बोल रही हूँ यार डेविल इंसान था। वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे बिल्कुल भी नहीं, इतना कोल्ड वे में वो चलते हुए आया था, ऐसा लग रहा था कि उसके आने के कारण जो ना जो एसी थी ना और ज़्यादा ठंडी हो चुकी है और ज़्यादा हवा फेंकने लगी है, इतना ज़्यादा कोल्ड माहौल बन चुका था। बट लड़कियाँ वांग जी को देख के चिल्ला रही थी, ओ माय गॉड ये कितना हॉट है कितना डैशिंग है, ऐसे वो चिल्ला रही थी। वांग जी जैसा आता है और अपनी सीट अरेंजमेंट देखता है, जहाँ पे वो सीट अरेंजमेंट देखने के बाद वांग जी उस सीट अरेंजमेंट पे जाकर बैठ जाता है और वांग जी को पहले ही बेंच पे बिठाया जाता है। सीट अरेंजमेंट थी इस क्लास में, तो ठीक है वांग जी जस्ट बैठ चुका था। देन उसके बाद वो जस्ट अपने दोस्तों को शुयांग और सॉन्गलैन को ग्रुप में मैसेज करता है कि तुम लोग पहुंच गए कॉलेज में। तो वो लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रो, ये तो बोलना भूल जाता है तू हमेशा, हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज में। एंड वो लोग अपनी पिक खींच के भेजते हैं जहाँ पे शुयांग और सॉन्गलैन ने भेजी थी, जहाँ पे तभी हमारे विंग भी कहता है कि हे गाइस तुम लोग सच में पहुंच चुके हो, ओ माय गॉड शुयांग तुम कितने हॉट लग रहे हो, सच में तुम बहुत क्यूटी पाई लग रहे हो। जहाँ पे सॉन्गलैन सच में तुम्हारे ऊपर ये कोट कितना अच्छा लग रहा है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का है ना, हाँ तुम ठीक हो ना। जहाँ पे शुयांग और सॉन्गलैन दोनों कहते हैं कि हाँ हम ठीक है और तुम बताओ तुम कैसे लग रहे हो। जहाँ पे कहता है हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग भी अपनी फोटो खींचकर भेजता है, जहाँ पे विंग के अराउंड 2 लड़कियाँ थी जो विंग के साथ थी। जहाँ पे सॉन्गलैन और शुयांग ये कौन है विंग तुम्हारे दो अराउंड तुम्हारे जो लड़कियाँ, विंग कहता है ये मेरी दोस्त है। जहाँ पे वांग जी ये सब देख रहा था तभी विंग कहता है लाजान तुम हो क्या, तुम ही भेजो ना तुम क्या कर रहे हो। हाँ बट वांग जी कुछ भी नहीं भेजता, वो बस रख देता है अपने फ़ोन को, कुछ भी नहीं करता वो बिल्कुल भी नहीं। उसे गुस्सा आ रहा था, विंग ने इतनी जल्दी दोस्त भी बना ली, वो भी लड़कियाँ, अब क्या होगा विंग उसे तो दूर चला जाएगा ना। वांग जी यही सोच रहा था, उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे। अब विंग उसके दूर उससे विंग दूर हो गया तो वो क्या करेगा, वांग जी यही सोच रहा था। तभी शुयांग का वांग जी को पर्सनल में मैसेज आता है, ब्रो तुमने देखा मैंने कहा था ना विंग को कोई और मिल सकता है, उससे पहले बोल दो। हाँ ऐसा मैसेज आ चुका था। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है और कुछ भी नहीं करता, सीन करके बस छोड़ देता है। इसके बाद क्लास आती है, क्लास अटेंड होती है, एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, देन क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। सारी चीज़ें होने के बाद वांग जी जस्ट अपना क्लास ख़त्म होने के बाद जस्ट बाहर आता है और विंग के क्लास की तरफ आ जाता है। और विंग के क्लास की तरफ आते हुए वो विंग की हंसी को देखता है, जहाँ पे विंग बहुत सारे लड़कों के साथ लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और सारे लोग जो विंग के अराउंड में बस स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे कि सच में तुम बहुत फनी हो, मुझे नहीं बताता कि तुम इतनी सारी हरकतें करते हो। जहाँ पे विंग ऑब्वियसली मुझे मज़ा आता है ये सब करते हो, मुझे परेशान करने में मज़ा आता है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग का तभी ध्यान जाता है विंडो से बाहर वांग जी को, विंग कहता है ओह माय क्यूटी पाई आ गया, ऐसे कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है क्या हुआ है, विंग कहता है मेरा दोस्त आ चुका है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग दौड़ते हुए वांग जी के पास आता है और वांग जी के गले में हाथ डालते हुए, ओह मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है तुमने मुझे मिस किया, पता है मुझे लग रहा था कि तुम्हें भी मेरे क्लास में होना चाहिए था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओह हाँ, और वांग जी उन लड़कियों को देखता है और लड़कों को देखता है जो विंग को देख रही थी और वांग जी को देख रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ओह मुझे पता चला है कैंटीन एरिया नीचे में, चलो हम चलते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, जिसके बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ कर लेके जाना स्टार्ट कर देता है और विंग ऐसे ही लेकर चला जाता है। और वांग जी और विंग कैंटीन एरिया में आते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग एक जगह पे बैठे हुए थे और ये लोग इतने क्यूट, विंग क्यूट था और वांग जी हैंडसम था, इसके कारण जो ना बहुत सारे लोग जो ना वांग जी और विंग के सामने जो स्नैक्स लाकर रख रहे थे और विंग कह रहा था कि थैंक यू सो मच, वो कह रहे थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हॉट एंड क्यूट हो इसलिए हम तुम दोनों के लिए लेके आए, ऐसे वो उन लोगों के सामने रख रहा था और विंग सारे लोगों के एक्सेप्ट कर रहा था और थैंक यू सो मच ऐसे विंग कहते जा रहा था, जिस कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा था और विंग उन स्नैक्स को खा भी रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि तुम भी खाओ, जहाँ पे वांग जी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे वांग जी कहता। जहाँ पे विंग कहता ओ हाउ रूड ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, वांग जी कहता नहीं लगेगा चलो तुम यहाँ से जल्दी। विंग कहता हाँ क्या हुआ है।
जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता कि चलो मेरे साथ, ऐसा कहता और विंग के हाथ को पकड़ते और लेके जाना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता आ सच में वांगजी तुम इस तरह की हरकत मत करो यहाँ पे। वांगजी कहता क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि यहाँ पे हमें सब लोग देखते हैं, हम हमारे हमारे जो पास वाला गाँव गाँव में जो स्कूल था वहाँ पर नहीं है, अब हम यूनिवर्सिटी में है, पहले हम कॉलेज में थे अब यूनिवर्सिटी में है वांगजी। तो वांगजी कहता कि हाँ मुझे पता है और तुम इस तरह की हरकत करना बंद करो। विंग कहता मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो वांगजी कहता अच्छा तुमने कुछ नहीं किया बताओ मुझे, तुम तो ऐसे कहते हो। जो वांगजी रुक जाता, विंग बस एक इस्तेमाल करते हैं, ओ अच्छा मैं तो क्या क्या मैं तो बताओ बताओ वांगजी। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता कि छोड़ो। जहाँ पे विंग जस वांगजी के पीछे उसे बैक बैक से हक करता और कहता कि ओ क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, मुझे पता है तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो करके, पर तुम टेंशन मत लो मैं खुद का ख्याल रख लूँगा ठीक है। वांगजी से कहता, जहाँ पे विंग जस कहता कि ओके एंड तो फिर मैं चलो अपने क्लास की तरफ। वांगजी इतनी जल्दी? तो विंग कहता है हाँ मुझे जाना होगा ना, अब मुझे खाना भी तो खाना है, तुमने तो मुझे यहाँ पर उठा कर लेके आ गए हो, पर मुझे खाना भी तो खाना होगा ना वांगजी। वांगजी कहता है कि हाँ जाओ तुम, ऐसे कहता है और विंग जस वांगजी के चीक्स पे एक थोड़ा सा किस करते, कहता है ठीक है मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में ठीक है, ऐसा कहता है और वांगजी से दूर विंग चला जाता है और वांगजी बस अपने फेस पे हाथ रखता है चीक पे और विंग को जाते हुए देखता है। विंग स्माइल करते हुए वहाँ से जा चुका था और जाने के बाद विंग के पास एक लड़की चल के आती है और जहाँ पे विंग उसके साथ बात करते हुए निकल चुका था। वांगजी ये सब देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वो विंग के सामने अपने प्यार का कन्फेशन कब करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो कभी करेगा भी या नहीं, ऐसे वांगजी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन उसके बाद हम शाम के टाइम के सीन देखते हैं जिसके बाद विंग बाहर आता है और वांगजी और विंग दोनों अपने अपार्टमेंट में आ चुके थे। अपार्टमेंट आने के बाद विंग और वांगजी जैसे फ्रेश होते खाना खाते, देन इन लोगों का ऐसे टाइम बीत रहा था। फिर 15 दिन के बाद जो है ना न्यू स्टूडेंट आए रहते हैं ना, तो फ्रेशर पार्टी रहती है, तो फ्रेशर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जिसके कारण सारे लोग फ्रेशर पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। हमारा विंग भी खुद भी एक्साइटेड था और वो वांगजी को कह रहा था कि तू एक्साइटेड क्यों नहीं हो। वांगजी कहता इसमें क्या नया होता है विंग, मुझे बताओगे, सब कुछ तो एक ही जैसा होता है। विंग कहता है सच में वांगजी तुम कुछ भी नहीं समझते, फ्रेशर पार्टी में कितना मज़ा आता है, कितने सारे लोग होते हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, जिनसे हम लोग बात करते हैं। हाँ जहाँ पे विंग ऐसे बोलता है तो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे पता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में तुम ना बहुत रूड हो, ऐसे कहता है। और विंग शौशियान और शियांग से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वो लोग बोलते कुछ नहीं तुम्हारी फ्रेशर पार्टी तो आज है हम लोगों की हो चुकी है। विंग कहता वाओ क्या बात है, ऐसे विंग उन लोगों को मैसेज करता है और विंग अपना एक क्यूट सा फोटो निकाल कर भेजते कहते हैं देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो लोग कहते विंग तुम क्यूट एंड अडोरेबल लग रहे हो। विंग बहुत स्माइल करता है, उन लोगों को इमोजी भेजता है स्माइली वाले। एंड देन उसके बाद विंग कहता है चलो वांगजी हो गए हो तुम रेडी बताओ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ। विंग कहता बस ऐसे ही? तो वांगजी कहते हाँ। तो विंग कहते तुम रोज़ की तरह लग रहे हो। तो वांगजी कहते क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ? तो विंग कहते मेरे दोस्त से अच्छा कोई भी नहीं लगता और मेरे दोस्त से हैंडसम कोई भी नहीं है, तुम ही अकेले हैंडसम हो समझे। जहाँ पे वांगजी जस विंग की बातों को सुनता है देन ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। अपनी लोकेशन पे पहुँचने के बाद हमारा विंग और वांगजी जस अंदर जाते हैं। अंदर पहुँचने के बाद जो है ना बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, देन म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक के साथ सभी लोग इधर से उधर नाच रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जहाँ पे हमारा वांगजी ये सब चीज़ें देखकर जस विंग को देखते, जहाँ पे विंग डांस करने लगा था और विंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेके जाते चलो हम डांस करते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था और वांगजी विंग के साथ खड़ा था और विंग उसके सामने डांस कर रहा था और वांगजी को देखते हुए स्माइल करते कहते चलो ना डांस करते ना लाजान, ऐसे हमारा विंग कहते जा रहा था और वांगजी उस विंग की बातों को मानता है, थोड़ा बहुत ऐसे ठुमके लगा रहा था हमारा वांगजी भी और विंग डांस करते जा रहा था। तभी एक लड़का आता और विंग को पुश करता है जिसके कारण वो वांगजी की तरफ आ जाता और वो वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए स्माइल कर रहा था। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, विंग का ब्राइट स्माइल कितनी प्यारी लग रही है ना, विंग कितना अच्छा लगता है जब हंसता है, तो विंग की आई लैशेज कैसे बार बार ब्लिंक कर रही है और विंग कैसे डांस कर रहा है। वांगजी ये सब देखकर जस वांगजी का गला सूखने लगता है विंग को इस तरह से देखकर। वांगजी तो विंग मैं आता हूँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस कहता है, जिसके बाद वांगजी साइड में जो ड्रिंकिंग एरिया था ना वो वहाँ पे आ जाता है। देन वहाँ पे जस जो था ना वो सॉफ्ट ड्रिंक को ऑर्डर करता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक, तो वांगजी कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो इंसान जो सॉफ्ट ड्रिंक दे देता है, जिसके बाद जो थे ना सॉफ्ट ड्रिंक के बाद हमारा विंग के पास हमारा वांगजी पीकर आ जाता है एंड विंग को ज्वाइन करता है और विंग डांस करता है। विंग अपने दोस्तों के साथ अब डांस कर रहा था। वांगजी वहाँ से थोड़ा सा दूरी हो जाता है क्योंकि विंग अपने दोस्तों के साथ घुल मिल रहा था ना, तो इसलिए वांगजी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वांगजी थोड़ा सा दूर हो जाता है और विंग को देखता है डांस करते हो। जहाँ पे विंग के दोस्त भी विंग के साथ डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम कितना अच्छा डांस करते हो। विंग कहते कि थैंक यू सो मच, ऐसे विंग उन लोगों से जो ना अजीब बहुत अलग अलग सी बातें कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी साइड होकर जस्ट देख रहा था, बस देखे जा रहा था। तभी
विंका एक हाथ लड़की पकड़ती है और विंको एक कोने में लेके चली जाती है जहाँ पे वांग जी कहते ये कहाँ चले गए। ऐसे कहते वांग जी जस उन्हें फॉलो करता है। तभी वो लड़की जस विंको दीवार पे पुश करके विंको किस कर रही थी। जहाँ पे इस ये सब वांग जी ने देखा तो वो पूरा शौक हो चुका था। वांग जी पूरा शौक था और वांग जी से अच्छा वांग जी के आँखों से अचानक से आंसू की बूंद जो थी ना नीचे गिर चुकी थी। और वांग जी जल्दी जल्दी जो ना वहाँ से पलट जाता है और जल्दी से जाने लगता है और कहता है कि सही कहा था वो सभी लोगों ने सही कहा था कि मैं अगर उसे नहीं कहूँगा तो कोई और उसे लेके चला जाएगा मेरे पास से कोई और। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी जो था ना वो सोच रहा था वो ऐसे ही सोचते जो ना बाहर आ जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है और वो रोने लगता है। और वांग जी रोते रोते जो है ना अपने ग्रुप में जस्ट इमोजी सेंड कर देता है जो रोने वाला रहता है ना वो सेंड कर देता है। जिसके कारण शॉन्ग लैंड एंड शुयांग जल्दी से वांग जी को कॉल करते और कहते क्या हुआ है तुझे क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग तुमने सही कहा था सब कुछ तुम्हारा सही था तुमने सही कहा था अगर मैं जल्दी नहीं करता हूँ तो कोई और उससे मुझे ले उससे मुझसे छुन लेगा। सेम वैसे ही हुआ शुयांग वैसे ही हुआ। शुयांग कहते क्या हुआ है वांग जी हमें बताओ तो सही बताओ क्या हुआ है क्या प्रॉब्लम हुई है बताओ मुझे। जिसके बाद वांग जी जो हुआ वो बताता है और कहते तुम कहा हो तो वांग जी कहते मैं कार में बैठा हुआ हूँ। तो शुयांग कहते हम लोग आ रहे ठीक है तुम टेंशन मत लो। ऐसे कहते हैं देन उसके बाद जो ना शुयांग और सॉन्ग लैंड वहाँ पे आ जाते। वहाँ पे आने के बाद वो वांग जी को देखते और डोर पे नॉक करते जिसके बाद वो कार में आकर बैठते और सॉन्ग लैंड कहते हैं कि वांग जी हम तुम्हें कहा था ना शुयांग ने कि तुम उसे बता दो तुम्हें बता देना चाहिए तुम बचपन से लेकर अब तक उससे प्यार करते हुए आए हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते मैं कैसे बता सकता हूँ हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो वो दोनों जस वांग जी को देखते वांग जी हमें पता है बट अगर तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम भी उसे प्यार करते हो करके। हाँ हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं उसे मजाक में बट वो जिस हमें अपना दोस्त मानता है बट तुम्हारा अलग हो सकता है वांग जी ज़रूरी नहीं है कि तुम भी हमारी तरह ही होंगे करके। हाँ उसके लिए क्योंकि तुम्हारे साथ विंका अलग सा कनेक्शन है तुम जानते हो ना वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ बट क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए तो हाँ मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताओ। ऐसे ही वांग जी कहता है जहाँ पे सॉन्ग लैंड और शुयांग जो था ना बस वांग जी को देख रहे थे बस वांग जी को देखे जा रहे थे। शुयांग एंड सॉन्ग लैंड जो था ना वो वांग जी को समझा रहे थे बट वांग जी को अब डर लगने लगा था। जहाँ पे वो कहते कि तुम दोनों को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए जिस 15 दिन हुए हैं एक दूसरे के साथ रहकर यहाँ पर रहकर एंड वांग जी तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो हाँ तुम्हें लगता है कि विंग किसी और को पसंद कर सकता है करके। तो वांग जी कहते क्या पता वो लड़कियों को पसंद कर सकता है क्योंकि मैंने जिस लड़की के साथ देखा वो तो लड़की के साथ गया था वो लड़की के साथ गया था। ऐसे वो कहता है हमारा वांग जी। जहाँ पे तभी हम देखते हैं जो पार्टी से हमारा विंग बाहर निकल रहा था और इधर उधर ढूंढ रहा था तभी वो वांग जी की कार की तरफ दिखता है और वो जल्दी से आता है वहाँ पे आता है डोर पे नॉक करता है जिसके कारण जो ना सारे तीनों लोगों का वहाँ पे ध्यान चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जल्दी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है तो यहाँ पे गाइस वांग जी थोड़ा सा जो ना इमोशनल है ऐसे मत समझना बट वो कोल्ड ज़रूर है बट वो इमोशनल है हमारे विंग के लिए विंग उससे दूर जाएगा ना इसलिए वांग जी हमेशा इमोशनल होता रहता है ठीक है बट वांग जी कोल्ड है इतना याद रखना। तो विंग को वहाँ पे देखने के बाद जल्दी से वांग जी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है एंड देन वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं और दरवाजे को ओपन करते हैं। जहाँ पे विंग के थे वांग जी ऐसे कहते बट वो सॉन्ग लैंड और शुयांग को देखते ओ कहते ओ माय गॉड तुम दोनों को भी हो यहाँ पे क्यूटी पाइज ऐसे कहते। जहाँ पे वो दोनों जस्ट स्माइल करते कहते हे विंग क्या तुम पार्टी से इतनी जल्दी वापस आ गए। तो विंग कहते हाँ मुझे वांग जी नज़र नहीं आ रहे थे इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वांग जी तुम पार्टी इन्जॉय क्यों नहीं कर रहे थे तुम यहाँ पे कैसे आ गए हमें तुम्हें कब से कहा वहाँ पे ढूंढ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं मैं जस्ट हवा लेने के लिए आया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था ना इसलिए। तो विंग कहते ओ अच्छा हाँ हाँ मैं भूल गया था तुम्हें लाउड म्यूज़िक ज़्यादा पसंद नहीं है करके। तो वांग जी से ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी शुयांग कहते तो कैसी रहा तुम्हें हमारी पार्टी। तो विंग कहते अच्छी थी बहुत मज़ा आया। तो सॉन्ग लैंड कहते ओ ओ अच्छा बहुत मज़ा आया विंग को। तो विंग कहते हाँ क्यों तुम लोगों की भी तो फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छी थी ना। हाँ तो सॉन्ग लैंड और शुयांग कहते कि हाँ वो तो थी। और विंग उन दोनों से बातें करने लगता है और वांग जी जस विंग को देख रहा था विंग कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था। वांग जी मन में कहता है विंग सभी से इसी तरह से बात करता है मैं कोई विंग के लिए स्पेशल नहीं हूँ मैं विंग के लिए कभी स्पेशल बन भी नहीं सकता हाँ नहीं बन सकता हूँ वांग जी यही सोच रहा था। तभी वांग जी कहते हैं हमें घर चलना चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे वांग जी जैसे कहते हैं। जिसके बाद सॉन्ग लैंड कहता है कि मैं कार चलाऊंगा वांग जी से कहता है क्योंकि इस बात वो बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि वांग जी का मूड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। और विंग शुयांग के साथ बता रहा था जहाँ पे शुयांग जस्ट विंग को कुछ सीक्रेट बता रहा था। जहाँ पे विंग तो ओ माय गॉड सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो शुयांग कहता क्या तुम अपने दोस्त को मिस नहीं करोगे। हाँ तो विंग ऑब्वियसली मैं तुम्हें मिस करूँगा बट मुझे भी मिलना है इससे। तो शुयांग कहता कि ये बहुत क्यूट है ना। तो विंग कहता हाँ सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है क्या तुमने इन लोगों को नहीं बताया है।
तो शुयंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं बताया। तो वी जस्ट शुयंग के हाथ से फोन लेते रहते, देखो 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 शुयंग का बॉयफ्रेंड, शुयंग का बॉयफ्रेंड देखो गाइस, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण जो ना सॉन्ग क्या सच में शुयंग, शुयंग जस्ट ऑकवर्ड भरी स्माइल करता है और शुयंग कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहते हैं ओ माई गॉड इतनी जल्दी शुयंग, और वी कहते हैं हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। शुयंग कहता है कि हाँ बहुत जल्दी है, बट ऐसा है ना कि मैंने उसे बहुत बार प्रपोज किया, उसने मुझे अभी तक जो ना एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं हाँ ये कैसा बॉयफ्रेंड हुआ बट? तो शुयंग कहता है बट ये मेरे लिए अपना बॉयफ्रेंड ही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, तुम समझ रहे हो। एंड देन बट उसे मैंने बार बार प्रपोज किया, बस उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बट जब तक वो मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं तब तक उसे प्रपोज करता रहूँगा, तब तक मैं उसे प्रपोज करूँगा, अपने प्यार का इजहार करूँगा। तभी सॉन्ग लाइन कहता है ओ अच्छा शुयंग, शुयंग कहता है क्या तुम्हें तो कभी भी किसी से भी प्यार हो जाता है। तो शुयंग कहता है नहीं वो थोड़ा स्पेशल है। तो विंग कहता है कैसे स्पेशल है? तो शुयंग कहता है कि पहले दिन कॉलेज में जो था ना वो भोंदू सा लग रहा था, सच कह रहा हूँ मैं, पता है वो किताब को लेकर दौड़ रहा था, बस दौड़ रहा था, मैंने उसे देखा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि भाई ये इंसान क्यों दौड़ रहा है। तब उसे मुझे नजर आया कि पीछे एक जो छोटा सा पफी जो था ना उसके पीछे दौड़ रहा था, एंड से कुत्ते का पिल्ला जो था ना वो दौड़ रहा था, और उस कुत्ते के पिल्ले से डर कर वो भाग रहा था। मुझे हंसी आ रही थी, सच बता रहा हूँ, वो कुत्ते से पिल्ले से कैसे डर सकता था, बट वो कुत्ते के पिल्ला उसके पीछे पीछे आ रहा था, देन उसके कारण अब मैंने उसे बचा लिया, मैं बीच में जाकर खड़ा हो गया उन कुत्तों के, कुत्ते के पिल्ले के और उसके, देन इसके कारण वो जो उसने जल्दी से मुझे हक कर लिया, कहा कैसे भगाओ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, देन मैंने उसकी मदद की उस कुत्ते को पिल्ले को भगाने के लिए, एंड देन उसने मुझे बहुत बार थैंक यू कहा, एंड देन मैं तब उसने अपने स्पेक को निकाला बाहर, जहाँ पे वो रो रहा था ना तो आंखों से आंसू पोंछते टाइम उसने स्पेक को बाहर निकाला, आई मीन टू से चश्मे को बाहर निकाला। देन उसके कारण जब मैंने उसे पहली बार देखा ना विंग, सच में मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, मुझे लग रहा था कि रेलवे पटरी मेरा दिल उछल कर बाहर आ जाएगा मेरे हाथ में, ऐसा महसूस हो रहा था, और इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। देन उसके बाद मैंने तुरंत उसे आई लव यू कह दिया, क्योंकि वाह क्या। तो शुयंग कहता हाँ मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वेट करूँगा, अगर किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया था, वैसे भी इतनी क्यूटी पाई चीज़ जल्दी हाथ से चली जाती है, ऐसे कहते जो ना वांग जी को देख रहा था, इसलिए मैं इस चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जल्दी कहा। एंड देन मैं डेली उसे प्रपोज करता हूँ, डेली उसे मिलने जाता हूँ, डेली उसके लिए फूल लेके जाता हूँ, वो कभी ना कभी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेगा, है ना। विंग कहता हाँ शायद ऐसा कहता है, और विंग कहता है सॉन्गलैंड तुम बताओ तुम्हारा क्या है। तो सॉन्गलैंड कहता है कुछ नहीं मेरा कॉलेज टाइम चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। विंग कहता है कोई ना कोई तो तुम्हें मिली होगी ना, मिला होगा ना। सॉन्गलैंड कहता है अभी तक तो कोई नहीं, जब मिलेगा तो मैं तुमको ज़रूर बताऊँगा। तो विंग कहता है हाँ मुझे ही बताना जैसे शुयंग ने बताया, ठीक है, ऐसा कहता है, जिसके कारण जो ना विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके थे, जिसके बाद विंग जस्ट आगे वांग जी जो था ना चुपचाप से आगे चलने लगता है, और ये तीनों बातें करते हुए आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा सैड था, ऐसे करते वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच चुके थे। देन वहाँ पे वो लोग इस अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पे विंग और वांग जी जस्ट एक कमरे में सोते, एक बेड पर सोते, वो कहते कि ओ माई गॉड और ये बेड तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, हम भी यहीं पे सोएंगे, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग जाकर जस्ट चेंज होते हैं, वांग जी के कपड़ों को पहनते हैं, देन उसके बाद वो चारों लोग एक ही बेड पर ऐसे एक दूसरे के ऊपर पैर डालकर ऐसे ही सो जाते हैं। बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी सो ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी जैसे कि वो डेली उसके साथ हो रहा है, बस ऐसे लग रहा था विंग उस लड़की को कैसे किस कर रहा था। वांग जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी, बस वही, वो कितना भी कुछ करे वो भूल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वांग जी जो इन तीनों को सोते हुए देखकर बस सोने देता है। देन उठकर जिस बालकनी में जाकर चुपचाप से बालकनी में बैठ जाता है, और अपना टैब में जो बचपन की उन लोगों की फ़ोटोज़ थी, वांग जी विंग शुयंग शशियांग इन लोगों की फ़ोटोज़ थी, वांग जी और विंग कितने करीब रहते थे, वांग जी हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता था हर चीज़ों से, जो भी फ़ोटोज़ थे ना उन सारी फ़ोटोज़ को देखता है, और वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है, वो कहता है बचपन कितना अच्छा था ना बस हम दोनों के साथ, हाँ ऐसे वांग जी सोच रहा था और बचपन की फ़ोटोज़ को देख रहा था, और बचपन की फ़ोटो देखते देखते वांग जी वही बालकनी में बैठे बैठे जो है ना ऐसे ही सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे सॉन्गलैंड जल्दी से उठता है क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था, जिसके कारण वो उठ जाता है क्योंकि उसके रूममेट का कॉल आया था। सॉन्गलैंड जस्ट उठा, हेलो क्या हुआ, तो कहते तुम कहाँ हो, तुम कॉलेज नहीं आना है क्या, हाँ तुम कहाँ मर गए हो, जल्दी वापस आओ, ऐसे आता है। जहाँ पे शुयंग कहते हाँ, सॉन्गलैंड कहते कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और सॉन्गलैंड जल्दी से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है, तभी उसे वांग जी नजर आता है बालकनी में और इन दोनों को देखता है, जहाँ पे शुयंग और विंग जो थे ना एक दूसरे के ऊपर पैर डालकर है ना एक दूसरे के फेस के ऊपर पैर रखकर वो सोए हुए थे, जहाँ पे विंग अपोजिट डायरेक्शन में, शुयंग भी अपोजिट डायरेक्शन में सोए हुए थे। देन सॉन्गलैंड जस्ट उठकर बैठता है, देन बालकनी में आता है और कहते वांग जी वांग जी, तभी वांग जी हाँ हाँ वांग जी, शुयंग कहते सॉन्गलैंड कहते चलो उठ जाओ, तो शुयंग सॉन्गलैंड ऐसे कहते हैं, तो वांग जी जस्ट उठ जाता है, उठने के बाद जो ना वो अंदर आते हैं, देन विंग को वो देखता है हमारा वांग जी,
जिसके बाद जो सॉन्गलैंड था ना वो शुयांग के पास जाता है, शुयांग के बम पे जोर से स्लैप करते, उठ जा आप कमीने, ऐसे कहता है, जिस कारण जो शुयांग कहता आहा तू मुझे मार डालेगा सच में, तू ना बहुत ज़्यादा कमीना एक नंबर का, तू हमेशा मुझे इस तरह से मारता रहता है, ऐसे कहता है, जहाँ पे सॉन्गलैंड कहता अभी उठ भी जा विंग को मत उठा, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो ना वो देखता है जहाँ पे विंग प्यार से सो रहा था, जहाँ पे उसके बाद वो लोग तीनों बाहर आते, वांग जी चचकिसन में खड़ा था और वो खाना बना रहा था, ये दोनों साइड में खड़े थे और कहते अब तू क्या करेगा, हाँ कुछ सोचा है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या सोचूं मैं, मुझे नहीं लगता है कि शायद विंग के दिल में मेरे लिए इस तरह की कोई फीलिंग होगी करके, तो सॉन्गलैंड कहता है बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुझे, हाँ तो एक बार बोल के तो देख, तो वांग जी कहता है कि क्योंकि वो सबके साथ सेम तरीके का बिहेवियर रखता है, मेरे लिए कोई स्पेशल बिहेवियर उसका है ही नहीं, शायद मैं कुछ हुई नहीं, शायद बस मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ही उसकी परवाह करता हूँ, मैं ही उसे पसंद करता हूँ, मैं एक तरफा प्यार अपने साथ रहकर जी लूँगा, तो कहते हैं कैसे, हाँ वांग जी हम लोग दोस्त थे और हम दोस्तों की फीलिंग को समझ सकते हैं, वांग जी कहते हैं छोड़ो तुम लोग ब्रेकफास्ट करो ओके, ऐसे कहता है, जहाँ पे सॉन्गलैंड एंड शुयांग जो थे ना कहते कि वांग जी सुनो हमारी बातों को, वांग जी कहते क्या, तो जाकर बताओ उसे कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम्हें पसंद नहीं आता है वो किसी और के साथ बात करे, किसी और के करीब जाए, कोई उसे किस करे, कोई उसे टच करे, तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हो, तो वांग जी कहते चुप रहो जोर से मत बोलो वो उठ जाएगा, तो भाई सॉन्गलैंड कहते हैं क्यों, क्या तुम उसे बताना नहीं चाहते हो, वांग जी कब तक तुम अपने दिल में ये फीलिंग्स को रखना चाहोगे, हाँ कब तक बताओ मुझे, कब तक ये सब चलने वाला है, हाँ वांग जी कहते ज़िंदगी भर, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा, तो सॉन्गलैंड कहते कि क्या मतलब है वांग जी ज़िंदगी भर, हाँ तो वांग जी कहते हैं कि ज़िंदगी भर, सुना नहीं तुम लोगों ने, कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को कुछ करने की कुछ बोलने की, ठीक है चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो और यहाँ से जाओ, तो सॉन्गलैंड ने शुरू किया, वांग जी कहते प्लीज़ मुझे फिर से हर्ट मत करो, मैं और ज़्यादा हर्ट होना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ, शायद उसने मुझे कभी भी उस नज़र से देखा तक नहीं है, तो मैं उसे किस मुँह से जाकर बोलूँ, बताओ मुझे, हाँ ऐसे जो है ना वांग जी चिल्ला कर बोलता है, जिस कारण ये दोनों चुप हो जाते हैं, अभी वांग जी की बात एक तरह से सही है और सॉन्गलैंड एंड शुयांग की भी बात एक तरह से सही है, वांग जी को पता है, जहाँ पे वो कहते हैं प्लीज़ ब्रेकफास्ट करो, ऐसे कहता है, वांग जी उनको बैठने के लिए कहता है, जहाँ पे वो दोनों चुपचाप से बैठ जाते और ब्रेकफास्ट करते, बस वांग जी को देख रहे थे, वांग जी पे चुपचाप से उस ब्रेकफास्ट को खा रहा था, बस खा रहा था, जिसके बाद सॉन्गलैंड कहता है अच्छा एक काम करो ना वांग जी, तो ये विंग से दूर हो जाओ ना, तो वांग जी क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो सॉन्गलैंड कहता है अगर तुम उसे प्यार कन्फेस नहीं कर सकते हो, अगर तुम उसे किसी और के साथ देखकर इतनी जल्दी दुखी हो जाओगे तो कैसे चलेगा वांग जी, तुम खुद को हर्ट करोगे, अगर विंग किसी के साथ खुश होता है तो तुम उसे देखकर हर्ट हो जाओगे, तुम हर्ट होने वाले हो ना कि विंग, विंग को तो इसके बारे में परवाह भी नहीं होगी, हाँ विंग तो अपने खेल खेल में सबसे बात करेगा, सबको साथ फ्लर्ट करेगा, या तक कि किसी को डेट भी कर सकता है वांग जी फ्यूचर में, तब तुम क्या करोगे, क्या तुम बस उसे देखते रहोगे, कुछ कर पाओगे क्या वांग जी, बताओ मुझे, जहाँ पे वांग जी जो खा रहा था ना वो रुक जाता है और कहता है क्या तुम प्लीज़ ये सब बोलना बंद कर सकते हो, तो सॉन्गलैंड कहता है क्यों वांग जी, मैं तो सच ही बोल रहा था ना, सच ही तो बोल रहा हूँ, क्या सच कड़वा होता है वांग जी, हाँ सॉन्गलैंड जस्ट वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है कि हो गया मेरा ब्रेकफास्ट और चलो शुयांग, चलो शुयांग कहता है हाँ, जिसके बाद शुयांग कहता है कि देखो वांग जी अगर तुम उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर सकते हो, अगर तुम उसे देखकर हमेशा हर्ट होना चाहते हो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये कहेंगे तुम चाहो तो उसे दूर हो सकते हो जिसे तुम हर्ट नहीं होगे, एंड देन तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, शायद उसे भी अच्छा कोई मिले, जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था वो कुछ भी नहीं कहता और उन दोनों को जाने देता, वो दोनों जाने के बाद हमारा वांग जी जिस बर्तनों को उठाकर अंदर लेके जा रहा था और टाइम को चेक करता है और कॉलेज जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए वो अंदर आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग बेड पर नहीं था, वांग जी कहते विंग विंग, तो विंग कहता मैं वॉशरूम में हूँ, क्या तुम आना चाहते हो ज्वाइन करोगे, तो वांग जी कहते विंग, ऐसे विंग से कहते विंग बस पाल करता है, एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो बालकनी में आता है और एक लंबी सी सांस लेता है, एंड देन उसके बाद अपने कपड़ों को निकालता है और पहनना स्टार्ट कर देता है, कपड़ों को पहनने के बाद विंग इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको, तो विंग कहता आ मुझे पोटी नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी तो शिमलेस परवर्ट, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए ठीक है, तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, जिसके बाद वांग जी बाहर आता है, कुछ टाइम के बाद विंग बाहर निकलता है और कपड़ों को पहन लेता है, कपड़ों को पहनने के बाद वो जल्दी से रेडी होकर जस्ट बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद वो जो था ना
वो कपड़े वांग जी को देखता है और कहता है कि सॉन्ग लाइन शुयांग चले गए, तो वांग जी कहता है कि चलो हम भी चलते कॉलेज। तो विंग कहता है ओके, देन विंग अपने ब्रेकफास्ट को लेता है और खाते हुए जा रहे थे वो लोग, जहाँ भी वांग जी थे विंग हम बैठ के भी खा सकते थे। विंग कहता है नहीं तुमने खा लिया ना, अब मैं अकेला रहकर क्या करता, चलो साथ में चलते हैं। इसे वांग जी और विंग जो कॉलेज में आ चुके थे, कॉलेज में आने के बाद वो लोग कॉलेज की तरफ जा रहे थे, तभी विंग के पास एक लड़की दौड़ती हुई आती है। हे विंग, विंग उस लड़की को देखता है और विंग कहता हाँ हाय लूसी, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे देखने के बाद वांग जी को याद आता है कल रात को यही लड़की थी, यही लड़की के साथ विंग साइड में गया था करके। तो वांग जी जो विंग के हाथ को पकड़े हुए था ना, जल्दी से वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग वांग जी को क्या हुआ है, तो वांग जी कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम अपने दोस्त के साथ चले जाओ। विंग जस्ट कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है वांग जी जस्ट विंग से दूर चला जाता है, वांग जी जस्ट जाने लगता है। और एक बार जस्ट पलट कर विंग को देखते, जहाँ पे विंग का हाथ उस लड़की ने पकड़ा हुआ था और विंग उसको देख रहा था, वांग जी ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। अब हम विंग को देखते, विंग लूसी को देख, लूसी ये क्या कर रही हो तुम, हाँ लूसी कहते क्या मतलब है, विंग विंग उसे देख रहा था, बस उसे देख रहा था और कुछ नहीं। फिर ऐसे ही दिन बीते चले जाते, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट विंग को जो है थोड़ा कह सकते हैं ना, घर में रहने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, ठीक है, बट वांग जी जस्ट कॉलेज पहुँचने के बाद विंग को छोड़ देता था, देन विंग को अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए कह देता था। कहे तो हमारा वांग जी खुद अपने आप से दूरियां बनाना स्टार्ट कर चुका था, विंग वांग जी के क्लोज तो आने की कोशिश करता था, बट वांग जी पढ़ाई करनी है, मैं लाइब्रेरी से बुक लाने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, विंग के साथ वो खाना नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं। और विंग को ये बिहेवियर वांग जी का वो नोटिस कर रहा था, विंग को लग रहा था शायद से वांग जी कोई दोस्त बने होंगे इसलिए वांग जी इस तरह से बिहेवियर कर रहा है। इसलिए विंग एक बार सोचता है कि चलो वांग जी के क्लास में जाते करके, तो विंग वांग जी के क्लास में जाता है और वो वांग जी को ढूंढता है, जहाँ पे वो वांग जी नहीं था, इसलिए विंग किसी से पूछता है कि क्या वांग जी को देखा है वो आप लोगों का दोस्त, तो कहता है कौन, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उनको फोटो दिखाता है वो कहता है ओ ये कोल्ड बॉय, तो विंग कहता है हाँ तुम कोल्ड क्यों करे, तो वो कहता है कि क्योंकि ये कोल्ड ही है, वो किसी से बात तक नहीं करता, किसी को अपना दोस्त भी नहीं बना रहा, किसी को अपने पास तक नहीं आने दे रहा। क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ वो किसी को अपने पास नहीं आने, तो विंग कहते वो कहाँ है, तो वो कहते हमेशा की तरह लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ होगा कहीं पे। तो विंग ये सुनता है तो विंग जल्दी से जो लाइब्रेरी की ओर आता है, लाइब्रेरी में आने के बाद विंग इधर उधर ढूंढने लगता है और विंग ढूंढते हुए वो वांग जी को देखता है, वांग जी बस एक कोने में बुक को जस्ट पढ़ रहा था और विंग वहाँ पे आता है, हे लांसान, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ऐसे, वो कहता है जहाँ पे विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ अकेले किताबें पढ़ना इतना बोरिंग नहीं, इतना अच्छा होता है क्या, तुम्हें बोर फील नहीं हो रहा है, जहाँ पे वांग जी बस ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या बोलो भी कुछ, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं हो, वांग जी कहते ज़रूरत नहीं है, तो विंग कहते क्यों, मैं तो बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ हूँ ना, तो वांग जी कहते ज़रूरत नहीं है। विंग उसे देख रहा था और कहते ओ मैं क्यूटी पाई बेबी लांसान, जहाँ पे वांग जी कहते विंग इस तरह की हरकतें करना बंद करोगे तुम, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था कि क्या, तो वांग जी कहता मैंने कहा इस तरह की हरकतें करना बंद करो, जैसे कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हाँ विंग जिस वांग क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, मैंने क्या कर डाला है, हाँ क्या मैंने इस नाम से बोला इसलिए तुम्हें गुस्सा रहा था, आई एम सॉरी। वांग जी जस उस किताब को उठाता है एंड जस वहाँ पे आकर जस अपने किताब को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, और सारे लोग विंग को देख रहे थे, विंग को देख रहे थे और क्या हुआ है उसे, हाँ वो इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रहा है, और सारे लोग विंग को देख रहे थे। विंग जल्दी से बाहर आता है और वांग जी को इधर उधर ढूंढने लगता है, इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी विंग को वांग जी नजर आता है ऊपर के फ्लोर से अपने बैग को लेकर, वो नीचे आ रहा था। विंग वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ है, वांग जी कहता प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे वांग जी चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण विंग क्या वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और विंग की तरफ कार की को फेंक देता है और कहता है खुद चले जाना, ऐसे कहते हुए जो ना वो फेंक देता है। अंदर विंग जस उस कार की को उठाता है और वांग जी को देता है, वांग जी सबसे बाहर जाता है टैक्सी को बुला कर, जैसे वो वहाँ से जा चुका था। विंग उसे देख रहा था, बस देख क्या हुआ है उसे, क्या हुआ है, और सारे लोग बस विंग को देख रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे, इसके कारण विंग की तरफ सारे लोगों की अटेंशन थी, सारे लोगों की, सभी लोगों ने देखा है विंग और वांग जी एक साथ ही आते हैं करके, देन उसके बाद वो अलग हो जाते हैं करके, सभी लोगों ने देखा है, बट अब हुआ क्या है इन दोनों के बीच में। और वांग जी के जाने के बाद हमारा विंग जस्ट थोड़ा सा उसके आँखों में आंसू आ चुके थे कि उसका बेस्ट फ्रेंड था ना हमारा वांग जी, और ऐसा उसे क्या हो गया, कुछ दिनों से वैसे भी वांग जी उससे थोड़ा अवॉइड कर रहा था, उसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और विंग आज खुद गया था हमारे वांग जी के पास चलकर, और वांग जी ने इस तरह की हरकत की, इसलिए विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जस्ट शुयांग को कॉल करता है, बट शुयांग अपने क्लास में था, सॉन्गलैंड को भी वो कॉल करता है, जहाँ पे सॉन्गलैंड जस्ट विंग के कॉल को देखता है और वो मैसेज करता है कि विंग मैं क्लास में हूँ, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग रोने वाला सिंबल भेजता है, इसके कारण सॉन्गलैंड जस्ट जल्दी से क्लास से बाहर निकल जाता है और कहता है क्या हुआ है विंग, और विंग को कॉल करके विंग कहता है वांग जी गुस्सा हो गया, पता नहीं किस बात पर गुस्सा हुआ, तो वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझ पर ज़ोर से चिल्लाया, तो सॉन्ग क्या
मम्मी की तो जोर से चिल्लाया, मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्वांग जी मुझे छोड़ के चला गया। तो शुआंगलैन कहता कि शुआंगुर में आते, ठीक है मैं आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। तो विंग कहता है कि हाँ, और विंग जस्ट रोने लगता है, एक कोने में जाकर जस्ट बैठा हुआ था, और विंग को बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी उसके ऊपर इतने जोर से कभी भी चिल्लाया नहीं था बचपन से लेकर अब तक, वो लोग साथ में है ना तब से, वांग जी कभी भी विंग के ऊपर इस तरह से कभी भी चिल्लाया नहीं था। वांग जी हमेशा विंग से पोलाइट वे में प्यार से हमेशा बात करता था, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि वांग जी बस विंग के ऊपर इस तरह से चिल्लाया था, इसलिए विंग को बहुत बुरा लगा था बहुत ज़्यादा। वांग जी हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता था, हर चीज़ों से बचाता था, ख्याल रखता था, बट आज ऐसा क्यों हुआ विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। विंग बस रोते जा रहा था, देन उसके बाद विंग वहीं पे रो रहा था। विंग के कुछ दोस्त आते हैं, विंग को समझाते कि क्या हुआ है, छोड़ना, वो ऐसे ही नाराज़ हो गया होगा, छोड़ कोई बात नहीं, उसके ऊपर टेंशन होगा। बट विंग जस्ट कहता है कि वांग जी के ऊपर कितना भी बर्डन हो बट वो फिर भी कभी भी इतने ज़ोर से मेरे ऊपर कभी भी चिल्लाया नहीं था, कभी भी नहीं चिल्लाया था। ऐसे विंग बस रोने लगता है, जिसके कारण वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे विंग का कुछ कर ही नहीं पाते, इसलिए वो लोग जस्ट वहाँ से चले जाते, क्योंकि उनको भी तो क्लास अटेंड करनी थी ना, भाई ये लड़का तो हमेशा ऐसा करता रहेगा, वो लोग ऐसे सोचकर वहाँ से जा चुके थे। सॉन्गलैंड एंड शुयांग वहाँ पे आ चुके थे, और विंग को कहते विंग तुम कहाँ हो, फोन करके पूछते, जहाँ पे विंग उनको बताता है कि कॉलेज के बैक एंड में वो बैठा हुआ है करके, जहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है, देन वहाँ पे जो विंग को देखते, जहाँ पे सॉन्गलैंड एंड शुयांग को देखते, विंग उन लोगों की तरफ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, कहते वांग जी मुझसे गुस्सा हो गया, पता नहीं किस बात पर गुस्सा हुआ है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुयांग कहते क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने कुछ किया था? विंग कहते कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आज खुद उसके पास चल के गया था। तो सॉन्ग मतलब, तो विंग कहता है वो कुछ दिनों से मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों से वो मेरे ऊपर ध्यान तक नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बस आते हैं घर में जाने के बाद वो अपने काम में लग जाता है, वो मुझे खाना देता है, देन उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा है, वो ऐसे बोलता है मैं उसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब कॉलेज में जाकर मैं उससे बात कर लूँगा, मुझे लग रहा था शायद उसके नए दोस्त बन गए होंगे इसलिए वो शायद से बिजी होगा, बट जब मैं आज गया उसके क्लास में तो मुझे पता चला कि उसका तो कोई भी नया दोस्त बना ही नहीं है, और वो रोज़ लाइब्रेरी में जाकर बैठता है, इसलिए मैं उससे मिलने लाइब्रेरी में चला गया, एंड देन जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे, वो मुझ पर चिल्ला दिया, वो भी ज़ोर से सबके सामने उसने मुझ पर चिल्लाया था। जहाँ पे सॉन्गलैंड एंड शुयांग समझ जाते हैं वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो विंग के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करेगा और वो विंग से दूर हो जाएगा, इसी तरह से वो शायद से विंग को छोड़ पाएगा, विंग को भूल पाएगा, वांग जी यही सोच रहा है। सॉन्गलैंड एंड शुयांग वो समझ चुके थे, वो कहते कि कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग। विंग कहते बट कैसे, वो मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकता है, हाँ कैसे हो सकता है, वो इस तरह से गुस्सा कैसे कर सकता है, आज से पहले उसने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई गलती की है तो उसे मुझे बताना चाहिए ना कि मैंने गलती की है करके, बट इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऊपर से वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो सॉन्गलैंड एंड शुयांग कहते हमारा भी नहीं उठा रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। विंग कहता मुझे भी नहीं पता, ऐसे कहते जहाँ पे सॉन्गलैंड एंड शुयांग कहते चलो अपार्टमेंट चलते हैं, ठीक है वो अपार्टमेंट में गया होगा। तो विंग कहता हाँ मैंने सोचा ही नहीं, मुझे चल जाना चाहिए, हाँ वांग जी कार की चाबी, ऐसे विंग कहता है और विंग के बैग को लेके आता है सॉन्गलैंड, एंड देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे टीचर लोग चिल्ला रहे थे विंग को कि कहाँ जा रहे हो, बट विंग कहता है कि मुझे जाना होगा सर मेरा तबीयत खराब है, ऐसे विंग कहते हैं जो वहाँ से निकल चुका था। विंग अपार्टमेंट में आता है और जल्दी से आता है कि वांग जी तुम कहाँ हो, ऐसे विंग बोलते बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। सॉन्गलैंड एंड शुयांग भी अंदर आते और विंग से कहते शांत हो जाओ, वो घर में ही आएगा, कहीं पर भी गया होगा तो वो घर में ही आएगा। जहाँ पे विंग जिस उन लोगों को देख रहा था कहते कि मैं क्या करूँ वांग जी इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, हाँ वो क्या वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, हाँ क्या वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। जहाँ पे सॉन्गलैंड मन में सोच रहा था कि वो दोस्ती नहीं, वो तुमसे प्यार करता है विंग, हाँ बट वो दोनों कुछ कह नहीं सकते, वो किसी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि वांग जी खुद अपने मुँह से ये फीलिंग बताए तो ये सही रहेगा ना, दोस्त बताकर क्या करेंगे। हाँ विंग तो हमेशा हर चीज़ को मजाक में ले लेता है, इसलिए वो लोग शांत थे। जहाँ पे वो लोग पूरे 11 बजे तक 12 बजे तक वहीं पे रहते, तभी सॉन्गलैंड को कॉल आता है उसके जो यहाँ से हॉस्टल से कि तुम कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं आए हो, वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे करके, एक्सेट्रा जो चीज़ें ना सॉन्गलैंड को बोली जाती, इसलिए सॉन्गलैंड कहते आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तभी शुयांग कहते मैं रह लूँगा, ठीक है तुम जाओ, ऐसे कहते, जिसके कारण जो है ना सॉन्गलैंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शुयांग और विंग ही थे, जहाँ पे विंग कहते देखो 11 बज चुके बट अभी भी वांग जी नहीं आया। तो शुयांग कहते वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो विंग, तुम सो जाओ। विंग कहते नहीं, जब तक वो नहीं आएगा मैं कैसे सोऊंगा, हाँ मैं कैसे सोऊंगा। सॉन्गलैंड जस शुयांग जस कहते कि विंग सो जाओ, ऐसे कहता है। देन तभी जो है ना शुयांग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे एक लड़का कहता है कि बेबी ब्रो तेरा जो बेबी है ना वो गिर चुका है। तो सॉन्गलैंड शुयांग कहता क्या, तो वो इंसान कहता कि हाँ तेरा बेबी गिर चुका है, उसके पैर में चोट लगी है, वो हॉस्टल से बाहर निकला था, कोई उसका पीछा कर रहा था तो वो गिर गया। तो शुयांग कहता कि क्या मेरा बेबी कैसे गिर सकता है, हाँ वो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि देख तेरा शुयांग गिर चुका है, आ जा उसे उठा ले। जहाँ पे वांग शुयांग कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है, और वो विंग को देखता है और कहता है विंग
विंगता हाँ विंगता की शौशन, तो विंगता शौशन क्या, तो वांग शुयांग कहते कि शौशन वो गिर गया तो मुझे उसके पास जाना होगा, क्या मैं जाऊँ विंग, आई एम सॉरी मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के जा रहा हूँ बट विंग मुझे उसके पास जाना होगा, तो विंग कहते कि हाँ हाँ जाओ 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 मैं समझ सकता हूँ तुम उसे पसंद करते हो, कहते हाँ हाँ जाओ ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जैसे ही शुयांग डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे वांग जी खड़ा था जहाँ पे शुयांग कहता है ओह थैंक गॉड तू ब्रो आ गया, ऐसे कहते जो वांग जी को हक कर ब्रो थैंक यू तू आ गया, और वांग जी को देखते कहते तू जा अंदर ठीक है, विंग तुम्हारा बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था और मैं अभी जा रहा हूँ ऐसा कहता है, और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग को विंग जब ये सब सुनता है ना तो विंग जल्दी से पलट कर वांग जी ऐसे कहता है, और विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपने सर को नीचे करे हुए जिस घर के अंदर आता है दरवाजे को बंद करता है देन चुपचाप से अपने बैग को लेकर जिस चुपचाप से जा रहा था जहाँ पे विंग कहते वांग जी ऐसे भी विंग कहता है, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। विंग तभी आता है और वांग जी के हाथ को क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम क्यों लगा, तुम इतने लेट क्यों आए हो, हाँ ऐसे विंग बोलता है, बट वांग जी जिस विंग के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाता है और अंदर जाने लगता है। विंग वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझ पर इतने जोर से चिल्लाए क्यों थे, हाँ क्या हुआ मुझे बताओ, तो जहाँ पे वांग जी कहते कि बस करोगे ये नाटक, हाँ ये नाटक क्यों कर रहे हो मेरे सामने, हाँ नाटक मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ, जहाँ पे वांग जी कहते यही मेरे अपने होने का प्रिटेंड जो कर रहे हो तुम। विंग क्या मतलब है तुम्हारा, वांग जी कहते तुम ये नाटक ही क्यों कर रहे हो विंग, विंग कहते मैं तो कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, वांग जी कहते ओ रियली, तो विंग कहते हाँ वांग जी हाँ मैं भी क्या बात कर रहा हूँ छोड़ो ऐसे कहता है, और वांग जी जाने लगता है। तभी विंग को धीरे धीरे जो ना वांग जी की बॉडी की स्मेल आने लगती है जहाँ पे वांग जी की बॉडी से थोड़ी बहुत जो ना अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। विंग कहते तुमने ड्रिंक किया है, वांग जी कहते हाँ किया है, तो ऐसे विंग को देखते हुए कहता है जहाँ पे विंग वांग जी की आँखों को देखता है जो पूरी तरह से रेड हुई थी, पूरी तरह से रेड लग रही थी हमारी वांग जी की आँखें क्योंकि वांग जी ने अभी विंग के साथ आई कॉन्टैक्ट किया था। विंग जस्ट कहते तुम्हें हुआ क्या है, जहाँ पे वांग जी बस इग्नोर कर देता है, अपने बैग को बेड पर पटकता है देन उसके बाद कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम में अंदर जाने के बाद वो शावर ले रहा था। विंग बाहर से कह रहा था कि कुछ हुआ हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो वांग जी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हाँ तुम मुझे बताओ तुम मुझसे शेयर करो कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने तुम्हें बुली किया है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, बताओ मुझे मैं तुम्हारी मदद करूँगा वांग जी, हाँ प्लीज़। विंग ये सब बोल रहा था और वांग जी अंदर अपने हाथ को बहुत ज़्यादा मुटिया कस रहा था बहुत ज़्यादा ही। देन वांग जी जस्ट शावर लेने के बाद जो अपने वेस्ट के अराउंड टावल लपड़ कर जस्ट बाहर आ जाता है और विंग को देखता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और सीधा उसे बेड पर पुश कर देता है और विंग के ऊपर आते कहते क्या क्या जानना है तुम्हें, हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है ये जानना है तुम्हें, हाँ विंग कहते हाँ मुझे जानना है। और वांग जी का जो बालों से गिरता पानी जो था ना वो विंग की आँखों में जा रहा था इसलिए विंग ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था और विंग गिर सकता है, हाँ मुझे जानना है ऐसे भी इंक कहता है। जहाँ पे वांग जी जस उसे देखता है और कहता है जान के क्या करोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो विंग, कुछ भी नहीं। विंग कहता क्यों, अगर मेरे बस में रहा तो मैं सब कुछ करूँगा, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। वांग जी तो अच्छा तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, तो विंग कहता है हाँ बचपन से लेकर तुम आज तक मेरे लिए सब कुछ करते आए हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। वांग जी कहता है हाँ सही कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया ना विंग मैंने, तो विंग कहता है हाँ बहुत कुछ। तो वांग जी कहता है ठीक है मेरे लिए एक एहसान करोगे विंग, विंग कहते क्या, तो वांग जी कहते मैं हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहता हूँ। विंग जल्दी से आँखों को ओपन करते क्या क्या और वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हाँ मैं हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। विंग ये क्या बोल रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत नहीं है। विंग कहते ऐसा नहीं है, तुम ये क्या बोल रहे हो, नहीं हाँ हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहते नहीं मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना है। विंग कहते क्यों, मैंने क्या गड़बड़ की है, मैंने क्या किया है मुझे बताओगे, क्यों तुम्हें मेरा दोस्त बनकर नहीं रहना, क्यों ऐसा कर रहे हो, हाँ हम बचपन से लेकर आज तक एक साथ थे और तुम अचानक से ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो बताओ मुझे, हाँ। जहाँ पे विंग जस रोंधू सी आँखों से देख रहा था, वांग जी जस विंग के ऊपर से हट जाता है और वांग जी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कपड़े पहन रहा था और बाहर आ जाते हैं जहाँ पे विंग बेड पर लेटे हुए उसकी आँखों से आंसू भरे। वांग जी उसे दोस्ती तोड़ना चाहता है, क्यों क्यों ऐसे, वो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग जल्दी से बाहर आता है, वांग जी मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों चाहते हो मुझे बताओ। वांग जी जस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था इसलिए विंग वांग जी के साथ किचन में आ जाता है और वांग जी को अपनी तरफ पलटा, बताओ तो मुझे क्या हुआ है, मैंने कोई गलती की है क्या, मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है क्या, बताओ आगे से मैं वो प्रॉब्लम नहीं करूँगा, मैंने अभी अगर कुछ किया होगा तो बताओ मुझे,
मैंने कुछ किया है क्या वांग जी? बोलो तो मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? मेरी क्या गड़बड़ है? मैंने क्या किया है वांग जी? प्लीज़ मुझे बताओ वांग जी, प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? मैं सॉल्व करूँगा। जहाँ पे वांग जी था, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? मैंने कहा छोड़ो मुझे, ऐसे वांग जी कहता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा लाउडली विंग से बात कर रहा था। विंग तो वांग जी कहता है कि चुप रहो, मेरा नाम मत लो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग बस रो रहा था, विंग कहता है कि वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है, वांग जी जो विंग की आंखों में आंसू देख नहीं पा रहा था, बट वो क्या कर सकता है बस। और वांग जी जस्ट बैठ जाता है, वो कुछ भी नहीं, चुपचाप से खाने को लेता है और चुपचाप से खाने लगता है। जहाँ पे विंग उसके पास ही बैठा हुआ था और उसे देख रहा था और कहते प्लीज़ मुझे बताओ, मैंने कोई गड़बड़ की होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा प्लीज़। वांग जी बार बार यही वर्ड को सुनी, वांग जी जस्ट प्लेट को वहाँ पे पटकता और कहता, मैंने कहा ना मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ क्या गड़बड़? तुमने सब कुछ किया है, बस तुम्हें नहीं पता है। जहाँ पे विंग कहता, हाँ तो मुझे बताओ मैंने क्या किया है, मैं जानना चाहूँगा और मैं जानकर उसे सॉल्व कर दूंगा। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता कि चुप रहो, ऐसे वो कहता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है विंग को वहीं पे छोड़कर। जहाँ पे वांग जी जो था ना, वो वहीं पे दरवाजे के साथ ही ऐसे ही सिमट कर बैठ जाता है। और वांग जी कितना ज़्यादा अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सारी चीज़ों को कर रहा है उसे खुद पता है, क्योंकि इतने दिनों में उसे पता चल चुका है विंग जो अपने दोस्तों के साथ सभी लोगों के साथ सेम तरीके से बातें करता है, और लूसी कैसे उसके पीछे आगे पीछे घूमती रहती है, और विंग भी उसके साथ कैसे बातें करता है, सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने पूरी तरह से नोटिस की है। और वांग जी की तो जगह वहाँ पे थी ही नहीं थी, और विंग को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था वांग जी के जाने से, वांग जी को पता था। इसलिए वांग जी खुद अपने दिल में जो विंग के लिए फीलिंग्स लेकर रखा है ना, तो विंग से वो अगर दूर हो जाता है, दूर होने के बाद वांग जी यहाँ से चला जाएगा, हाँ विंग से दोस्ती तोड़ने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा, एंड देन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि वो विंग के बिना नहीं रह पाएगा, बट फिर भी तो अगर विंग को वो किसी और के साथ देखेगा तो वो खुद को इसी तरह से हर्ट करेगा। वांग जी को खुद को पता है कि वो बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट करेगा करके, एंड इसके कारण वो विंग को भी हर्ट कर सकता है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा विंग को किसी और के साथ देखकर, क्योंकि जब भी वो लूसी के साथ देखता है तो वांग जी खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता है उसे खुद पता है। इसलिए वांग जी बस विंग के साथ दोस्ती तोड़कर यहाँ से जाना चाहता है, बस जाना चाहता है, यही वो कर रहा था। जिसके कारण हमारा वांग जी खुद भी रो रहा था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था विंग के साथ ये बिहेवियर रखकर, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट वो क्या कर सकता था, उसे ये करना ही था, इसलिए वांग जी ये सब कर रहा था। देन हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बस रो रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि उसने गलती क्या की है, क्या गलती की है, उसने तो कभी भी कुछ भी गलत किया ही नहीं है, उसे पता है वो हमेशा तो अच्छा ही रहने की कोशिश करता है ना, पहले की तरह ज़्यादा शरारतें भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, वो सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करता है, बट उसने किया तो किया क्या है, उसे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग ऐसे ही सोफे पर लेट चुका था और वो सो जाता है। हम रात के टाइम का सीन देखते हैं, हमारा वांग जी जो दरवाजे को ओपन करता है, देन बाहर आता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो था ना, वो आराम से कैसे सो रहा था, हमारा वांग जी ये सब देखने के बाद वो विंग के पास आता है, विंग के फेस को सहलाते कहता, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें रुला दिया, मुझे पता है ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता, आई एम सॉरी, बट मुझे ये करना ज़रूरी है विंग, आई एम सॉरी मुझे ये करना ज़रूरी है। ऐसे करते वांग जस्ट विंग के फोरहेड पे किस करता है, जिसके कारण वांग जी की आंखों का जो आंसू था ना वो विंग के फेस पर गिरता है, जिस कारण विंग की आंखें मचलती है। इसके कारण वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है और वांग जी जल्दी से वहाँ से चला जाता है, वांग जी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो कहीं पर जा चुका था। जहाँ पे सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग उठता है, उठने के बाद जो था ना वो दरवाज़े की तरफ देखता है कि वांग जी उठाए हैं नहीं, बट वो दरवाज़ा खुला था इसलिए विंग जल्दी से आता है कि वांग जी ऐसे कहता, बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग कहता ये कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह, ऐसे विंग कहता और इधर उधर देखता है वांग जी को, वांग जी था ही नहीं, यहाँ पे नहीं था। विंग नीचे की ओर देखता है कि कहीं पे होगा करके, वांग जी को कॉल करता है, बट वांग जी का फ़ोन तो घर में ही था। हाँ वांग जी का फ़ोन घर में ही था। विंग ये सब देखते हुए पूरा शॉक, विंग कहता हाँ ये कहाँ चला गया, ऐसे कहता है। देन विंग जिस खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जिस बैठा रहता है कि वांग जी आएगा आएगा, बट वांग जी आता ही नहीं है। विंग दोपहर के 2 बजे तक ऐसे ही बैठा रहता है, वांग जी का इंतजार करता रहता है, वो सॉन्गलैंड और शुयांग से बातें करता रहता है, अपडेट देता रहता है। वो दोनों विंग से माफ़ी मांग रहे थे कि हम ज़रूरत के वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह पाए, हम किस काम के तुम्हारे दोस्त थे। विंग उन लोगों को कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम लोगों का भी वो ज़रूरी ही था, मेरे से ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ, ऐसे विंग उन लोगों से कह रहा था। बट वो दोनों बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे थे हमारे विंग से, बट हमारा विंग जस कहता है कि हो गया बस, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना शीचान गर्ल जो था ना, उनको भी कॉल करके बोलता है कि वांग जी
वांगजू क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गगा, वो मुझसे ठीक नहीं बात कर रहा एक्सेट्रा, जो चीज़ें ना विंग शियांग को बता देते हैं, जिसके कारण जो शियांग कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ वांगजी को, ओके विंग ने कहा था कि हाँ और वांगजी अभी तक घर में नहीं है करके एक्सेट्रा जो चीज़ें थे ना बताई गई थी, जिस कारण शियांग जिस कहते कि ठीक है मैं पता करता हूँ, ऐसे वो विंग को बताते हैं। देन उसके बाद फ़ोन कट होता है, विंग 2 बजे तक घर में ही बैठा हुआ था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी को हुआ क्या है, उसने किया तो किया क्या है, विंग को अपनी गड़बड़ के बारे में उसे पता ही नहीं था, और वांगजी ऊपर से उसे बता भी नहीं रहा था कि उसने क्या किया है करके, विंग को ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही थी बिल्कुल भी नहीं। देन हम 3 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जो टीवी के जो चैनल थे ना वो बदल रहा था, तभी उसे दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है, इसके कारण विंग जिस पीछे की ओर देखता है जहाँ पे वांगजी जिस बुरी हालत में जिस अंदर आ रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखते जल्दी से आता है और वांगजी के फेस के ऊपर चोटें देखता है, उसके बाल बिखरे हुए देखता है, उसके कपड़े फटे हुए देखता है, यहाँ तक कि वो ड्रिंक करा हुआ था, ये सारी चीज़ें देखता है, जहाँ पे विंग कहता है वांगजी ऐसे कहता है, जहाँ पे वांगजी बस विंग की वॉइस को सुनता है और ऊपर देखता है और बस एक स्माइल करता है और वांगजी की आँखों से जस्ट आंसू बह जाते हैं, जहाँ पे विंग उसे देखते वांगजी ये सब कैसे हुआ, किस गया, किसने किया मुझे बताओ किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जहाँ पे वांगजी जस्ट कुछ ना करते जस्ट आगे बढ़ने लगता है, विंग उसके हाथ को होल्ड करता है और वांगजी को संभालते हुए बस अंदर लेके आ जाता है, अंदर लाने के बाद विंग जस्ट वांगजी को जो था ना वो बेड पर बोल रही हूँ यार सोफे पर बिठा देता है और वांगजी को देखता है और कहता है ये सब किसने किया, हाँ इतनी सारी छोटे हाँ ऐसे कहता है, और विंग जल्दी जल्दी जो ना पानी के बाउल लेकर आता है, बाउल में जो ना एक टॉवल लेकर आता है, टॉवल से जो ना वांगजी के फेस को क्लीन करने लगता है, उसके कपड़ों को निकालने लगता है, जहाँ पे विंग जो था ना वांगजी के शर्ट को निकाल रहा था तभी वांगजी विंग के हाथ को पकड़ देते हैं, क्यों तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, हाँ तुम मेरे फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हो विंग, क्यों बताओ ना क्या इतना मुश्किल है मुझे समझ पाना, हाँ इतने सालों से तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, क्या इतना मुश्किल है मुझे समझना, जहाँ पे विंग कहते तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता है, बट मुझे पहले तुम्हें ट्रीट करना होगा, ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी जल्दी वांगजी के जो शर्ट को ओपन करना स्टार्ट करते हैं, वांगजी के शर्ट को ओपन करने के बाद वो देखता है कि वांगजी के पीठ के ऊपर जो है ना ऐसे लाल लाल निशान बने हुए हैं और उसके चेस्ट के ऊपर भी लाल निशान बने, विंग कहते ये किसने किया, तो वांगजी कहते क्या फ़र्क पड़ता है, विंग कहते मुझे बताओ, वांगजी कहते क्या फ़र्क पड़ता है बताओ, तो विंग कहते मुझे बताओ, वांगजी कहते मैंने खुद किया, विंग कहते क्यों तुमने अपने आप को इस तरह से हर्ट क्यों किया मुझे बताओगे, वांगजी कहते क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया था इसलिए, विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ वांगजी कहते क्योंकि मैंने तुम्हें रुला है, मैंने विंग की आंखों में आंसू दिए, मैं बहुत बुरा हूँ इसलिए, विंग कहते ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुमने कुछ भी नहीं किया वांगजी तुमने कुछ भी नहीं किया, वांगजी कहते विंग मैंने ही सब कुछ किया है, मेरे कारण तुम रोए थे कल, मेरे कारण तो सब कुछ हुआ था ना, मैंने तुम्हें हर्ट किया है विंग, विंग उसे देख रहा था कि तुमने ड्रिंक क्यों की, वांगजी कहते पता नहीं बस कुछ भूलना चाहता था, विंग कहते क्या, तो वांगजी कहते हम दोनों की दोस्ती को, विंग कहते हाँ तुम ये क्या बोल रहे हो, तो वांगजी कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना विंग, हम दोनों की दोस्ती किस काम की, विंग कहते ये क्यों बोल रहे हो तुम वांगजी, हाँ मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जहाँ पे हमारा वांगजी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है बेस्ट फ्रेंड, बट विंग मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता हूँ, विंग कहते क्या क्या मतलब है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते होंगे बट मैं तुम्हें मानता हूँ वांगजी, वांगजी जस विंग को देखते कहते नहीं मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं तुम्हें अपना प्यार मानता हूँ, विंग ये सुनता है क्या क्या क्या, वांगजी कहते हैं मैं तुम्हें बस अपना प्यार मानता हूँ, ऐसे जो है ना वांगजी कहता है जहाँ पे विंग पूरी शॉकिंगली सुन रहा था, वांगजी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग तुम्हें पसंद करता हूँ बट मैं तुम्हें बोल नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ और तुम मेरे बिना बोले क्यों नहीं समझ रहे हो विंग, मैं किसी और के साथ तुम्हें अगर देखता हूँ तो मुझे कितना हर्ट होता है तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ इस तरह से हंसते हुए बातें करके देखने के बाद मुझे कितनी जलन होती है, जब कोई तुम्हें छूता है तो मुझे बहुत उस इंसान के ऊपर गुस्सा आता है, ये क्यों, हाँ ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही अकेले के साथ क्यों हो रही है, तुम ये सारी चीज़ों को फील क्यों नहीं पा रहे हो कर पा रहे हो विंग, मैं ही इन सारी चीज़ों को फील कर रहा हूँ इतने टाइम से, मुझे ही हर्ट हो रहा है पर तुम्हारा क्या विंग तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, हाँ शायद तुम भी मुझे समझते नहीं हो विंग, मुझे लगा था शायद से बिन बोले तुम मुझे समझ पाओगे बट नहीं तुम मुझे समझ ही नहीं सके विंग, विंग जो वांगजी को देख रहा था और वांगजी के चोटों को जो था ना वो हील कर रहा था, वांगजी की चोटों को वो बस हील करते जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है वांगजी मुझे क्लियर तरीके से बताओ, वांगजी कहते मैं तुम्हें डैमिट में क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, मैं ऐसे कहते वांगजी रुक जाता है और विंग को देखता है और कहता है कि आई लव यू विंग आई लव यू,
ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी की इन बातों को सुनने के बाद जस्ट विंग शॉकिंग देख रहा था, वांग जी कहता है मैं कोई मजाक वाला प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, सच में मैं लवर टू लवर जो एक दूसरे के साथ प्यार करते एक दूसरे को उस चीज़ की बात कर रही हूँ, ना कि तुम जिस प्यार को समझते हो दोस्तों वाला उस प्यार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लव की बात कर रहा हूँ जो दो कपल्स के बीच में होता है, पता है ना तुम्हें। हाँ विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी के चोटों को अच्छे से मलम पट्टी वगैरह मलम लगाने के बाद जो है ना विंग जस्ट कहता है कि तुम रेस्ट करो तुम ड्रिंक करे हुए हो, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहते कि आई नो ये सब जानने के बाद शायद तुम उसे दोस्ती तोड़ दोगे मुझे पता है, बट तुम्हारे तोड़ने से पहले मैंने खुद तुम्हारे से दोस्ती तोड़ दी है विंग तोड़ दिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा दोस्त जो मुझे समझ नहीं सकता, मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकता, मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं सकता, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे दोस्त की, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे वांग जी कहते हुए जो ना टर्न हो जाता है। विंग बस हमारे वांग जी को देखा है इस तरह के हर